Okay. So very good morning to every one of you all. क्या टैक्स का लेक्चर चालू हुआ है? कुछ एनर्जी लग रही नहीं, अब तो नींद वींद खुल भी गई होगी. कम ऑन गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. क्या बात है यार. पहली बात तो ऑफिशियली सीए इंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए. कम ऑन गाइस, क्या बात है. तो ऑफिशियली फाउंडेशन क्लियर होने के बाद सीए इंटर में आना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है. आप लोगों को ये फर्स्ट लेक्चर के बाद समझ में आ ही गया होगा. और अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. और यही सीए इंटर लॉ की जर्नी को एकदम धमाकेदार बनाने के लिए मैं, यानी कि सीए अंकिता पटनी, और मेरा ही साथ देने के लिए द वन एंड ओनली सीए स्वप्निल सर जो है आपके साथ आने वाले. सो दैट ये सब्जेक्ट का आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल आ जाए. इसी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे. कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बताना चाहती हूं और आज तुरंत ही हम हमारे टॉपिक की भी जो है शुरुआत कर लेंगे. आप लोग जानते हो सीए इंटर में कितने सब्जेक्ट्स है आप लोगों को? 6. वेरी गुड. और यही 6 सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के है MCQs. उसमें तो हम एक्सपर्ट है मैम, पूछना नहीं. उसी से तो हम फाउंडेशन पास हुए हैं, बोलना मत किसी को मैम, बट वही तो है हमारी मास्टरी. तो 30 मार्क के आपके MCQs है और वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग. क्या ही बात है. चलो एक बार जोरदार तालियां ICAI के लिए. तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि आपको 30 मार्क के MCQs है वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग हर एक सब्जेक्ट में. मतलब 6 3 हाउ मच 180 मार्क्स के आपके MCQs, जिसमें हम करने वाले खूब सारा प्रेपरेशन क्लास के साथ भी, क्लास के बाद भी, टेस्ट के द्वारा भी, कहूँ टेस्ट के द्वारा भी, और हम लोग केस स्टडी बेस्ड MCQs का भी करने वाले हैं काफी सारा प्रेपरेशन, ताकि एटलीस्ट आपका MCQ एक बार सिक्योर हो गया, बाकी 70 मार्क्स में ज्यादा लोड नहीं रहेगा. So along with that, it's going to be a balanced approach, the descriptive as well as the MCQs. हमारे examination में ये जो law का paper है, that is going to be paper number 2. सबसे पहला paper आपका कौन सा रहेगा? Advanced accounts. And the second paper is going to be the paper of law. आप लोग जानते हो ये जो subject है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इसका नाम क्या है? Corporate and other laws. अच्छा, आप सब लोगों के पास नोटबुक है? हाँ, तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लॉ के लेक्चर के लिए बैठे हो, कुछ मिनिमम स्टेशनरी रिक्वायरमेंट है जो मुझे लगेगा आप लोगों से. एक तो नोटबुक रहेगी, एक सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ. अलोंग विद दैट आई वांट अ ब्लैक बॉल पेन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन से ही आप आंसर्स लिख सकते हो. अलोंग विद दैट आई वांट हाईलाइटर्स, और हाईलाइटर्स के साथ साथ आई वांट दोस परमानेंट मार्कर्स, क्योंकि हमारी ये जो बुक्स है ना, इसका जो मटेरियल है दैट इज मैगजीन टाइप मटेरियल, तो उसपे लिखने के लिए मेरे को वो परमानेंट मार्कर लगता है, एंड सम स्टिकी नोट्स ऑल्सो. तो ये कुछ बेयर मिनिमम है जो मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगा स्टेशनरी का, जो आप लोग अगर आज नहीं तो कोई बात नहीं, बट कल से आप लोग लेने वाले हो, तो एक नोटबुक और पेन्स जरूर आपके पास रखना. अगर आप आपकी बुक को काफी सजाना चाहते हो तो फिर आप दूसरे दूसरे कलर के पेन्स यूज कर सकते हो, बट जब टेस्ट हो गए, टेस्ट में आई विल टेल यू ऑल टू कंपल्सरी यूज ओनली अ ब्लैक बॉल पेन, ठीक है? तो अगर आपके पास आपकी नोटबुक है, आपका नाम लिखो, सब्जेक्ट का नाम लिखो, मेरा नाम लिख लो, और हम लोग शुरुआत करते हैं विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है? फर्स्ट पेज ब्लैंक रखना, क्योंकि वहां पे मैं बताने वाली हूं आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है? तो सेकेंड पेज पे हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट में क्या सारे एक्ट्स है, और आपकी ये जो 3 महीने की जर्नी है उसमें कौन से सारे टॉपिक्स है जो आप पढ़ने वाले हो. सब्जेक्ट का नाम जैसे आपने बताया एकदम सही है, इट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. व्हाट इज इट? कम ऑन टेल मी गाइस. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. मेरे साथ साथ ही आप लिखोगे, बाद में मैं आपको समय नहीं देने वाली हूं लिखने के लिए. सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. तो जैसा नाम कहता है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, सबसे पहला हिस्सा जो है इस सब्जेक्ट का, दैट इज गोइंग टू बी कॉर्पोरेट लॉ. सुन रहे हो ना आप लोग?
और साथ साथ में लिख भी रहे हो, जो नहीं लिखेगा उसको एक अटेम्प्ट लग जाएगा। चलो लिखो इज्जत में एकदम। कौन था ये? संभालो इन बच्चों को। पहले दिन में ही आवले हो गए, 6 महीने बाद तो क्या होगा, क्या से क्या हो गया। हाँ मेरा वो जो डायलॉग है ना जो मैं कहती हूँ, हे जज साहब देखो, तो मेरे मजे ले रहे और कुछ नहीं। तो ये फाउंडेशन का ही बच्चा होगा मेरा। चलो तो पहला हिस्सा जो है दैट इज गोइंग टू बी कॉर्पोरेट लॉ, और आपका जो कॉर्पोरेट लॉ है इज गोइंग टू बी फॉर 70 मार्क्स। देखो आपका ये पेपर इन टोटालिटी इज ऑफ 100 मार्क्स, इसी 100 मार्क्स में से आपका 70 मार्क्स जो है दैट इज गोइंग टू बी कॉर्पोरेट लॉ। बट ये जो 70 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपको 2 एक्ट्स है जो कॉर्पोरेट लॉ में कवर होने वाली है। द फर्स्ट एक्ट इज योर एंड माई फेवरेट एक्ट विच इज द कंपनीज एक्ट 2013, और उसी के साथ साथ जो आप लोगों ने फाउंडेशन में छोड़ा था एज ऑप्शन। यस, ये मैं नहीं कह रही, ये देख लो, इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बट भले ही आपने LLP को आपने ऑप्शन में छोड़ा होगा फाउंडेशन में, माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन नॉट डू दैट फॉर CA इंटर, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ का हमारे इंटर में वेटेज जो है वो कुल मिला के बनता है अप टू 70 मार्क्स। इंस्टीट्यूट ने इंडिविजुअल तो बाइफिकेशन नहीं किया है। खैर मे का पेपर होने के बाद थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी कि इंस्टीट्यूट कितने मार्क्स का सवाल LLP के बारे में पूछता है। फिर जय माता दी। ठीक है, कंपनीज एक्ट में ज्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, बट यस कंपनीज एक्ट में आपको करने हैं अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो 160 सेक्शंस। और एक्सेप्शन का एक्सेप्शन और 160, और वो भी कह रहे हो मैम आप बस 160 सेक्शंस। जी हाँ बेटा, सिर्फ और सिर्फ 160 सेक्शंस अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है इट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 470 सेक्शंस। तो इतने सारे सेक्शंस में से इंस्टीट्यूट ने तो बस आप लोगों को हल्का सा डोज देने की कोशिश की है, और ज्यादा कुछ नहीं 160 सेक्शंस जो है आपको इंटर में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। सो बेसिकली कंपनीज एक्ट का तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर कल जाके आप फाइनल में वो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल लेते हो जहां पे आप लॉ को एज एन ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, तो मे बी बाकी सारी चीजें जो होगी वो होगी वहां पे मतलब कहां पे, इन फाइनल लॉ। दैट टू इट इज ऑप्शनल जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू स्पेशलाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। बट ये जो कंपनीज एक्ट है इसमें आप लोगों के first 10 chapters तो एक्ट के वैसे है, first 10 chapters, एंड नाउ देर इज दिस 11th chapter दैट इज बीन एडेड विच इज रिलेटिंग टू फॉरेन कंपनीज। तो first 10 chapters जो एक्ट के है, एक्ट के मैं सिलेबस के हिसाब से नहीं बता रही हूं, हम ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं एक्ट के हिसाब से। हमारे first 10 chapters जो है वो section 1 से लेकर section number 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स पे खत्म होता है, वो जाता है section 1 से लेकर 148। और रिसेंटली इन द न्यू करिकुलम इंस्टीट्यूट हैज एडेड अनदर चैप्टर, द 11th chapter इन योर सिलेबस विच इज रिलेटिंग टू फॉरेन कंपनीज। और फॉरेन कंपनीज के जो सेक्शंस है वो शुरू होते हैं section number 379 से। तो 379 से लेकर 393A, तो ऐसे करके दोनों मिला के अप्रोक्सीमेटली आपके 160 सेक्शंस जो है वो हो जाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के। कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट के साथ साथ आपको LLP भी है, जो भी आपने फाउंडेशन में पढ़ा था इज अ पार्ट ऑफ CA इंटर लॉ फॉर LLP। बट उसके अलावा इंस्टीट्यूट ने काफी एक्सटेंसिव नॉलेज CA इंटर लॉ में बताया है रिलेटिंग टू LLPs। इनफैक्ट LLP के वाइंडिंग अप तक की बातें यहां पर करी गई है इन CA इंटर। आपको फाउंडेशन में तो
एलएलपी पार्टनरशिप का डिफरेंस, एलएलपी कंपनीज का डिफरेंस, एलएलपी के फीचर्स, मिनिमम पार्टनर, मैक्सिमम पार्टनर, लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, चुल्लू चुल्लू चुल्लू, जिसको आपने ऑप्शन में छोड़ा था, ठीक है। अब वो सारी बातें तो है, बट अलोंग विद दैट बहुत सारी बातें, एलएलपी का प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना, एलएलपी का यू नो पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट होना, एलएलपी का अनलिस्टेड पब्लिक में कन्वर्ट होना, एलएलपी का वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ये सारी चीजें जो है आप लोग पढ़ने वाले हो एट द सीए इंटर लेवल। बट इतना नहीं है, कॉर्पोरेट लॉ एक साइड पे हमारा 70 मार्क का है, कॉर्पोरेट लॉ के साथ साथ सब्जेक्ट का नाम ही कहता है एंड अदर लॉज, यू हैव अदर लॉज जिसका वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स। और ये अदर लॉज में आप लोगों को करने होंगे 3 एक्ट्स, सो देर आर 3 एक्ट्स यस दैट यू ऑल आर डूइंग इन अदर लॉज, वेरी गुड। फर्स्ट इज फेमा, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अलोंग विद दैट there is interpretation of statute, and lastly is the general clauses act. IOS or GCA jo hai, they are more of interpretation statutes. कोई भी कानून जब लिखा जाता है उसको interpret कैसे करते हैं, okay? तो जैसे कि आपने companies act बचपन में पढ़ा था, CA के बचपन में, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में देखा था, अगर कोई सेक्शन है, सपोज आपने पढ़ा था सेक्शन नंबर 8, बता सकते हो सेक्शन 8 किस बारे में था कंपनीज एक्ट का? वेरी गुड, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, वहां पे लिखा था कंपनीज को ये प्रिविलेजेस, ये एग्जेम्पशन, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है इनकॉर्पोरेशन के लिए, बट जहां सीजी लाइसेंस दे सकता है, सीजी जो है लाइसेंस छीन भी सकता है एंड वगैरह वगैरह, और अगर आपने कॉन्ट्रवीन किया तो इतनी पेनल्टी, इतना जेल और वगैरह वगैरह। तो आपको पता है ये सेक्शन अगर फॉलो नहीं किया है, ही विल बी सेंट टू जेल और ही विल बी पनिशेबल विद अ फाइन। तो सवाल ये उठता है, पूरा कंपनीज एक्ट ही जेंडर बायस है, ही विल बी सेंट टू जेल, ही विल बी पनिशेबल, आई मीन गर्ल्स आर हैविंग द फन, गुड। मतलब कल जाके अगर मैंने एनपीओ इनकॉर्पोरेट किया और अगर मैंने कुछ कांड किया, आई एम नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड, ऐसा कैसा? अरे लॉ को इंटरप्रेट कर रही हूं ना, ही विल बी सेंट टू जेल, आई एम तो फीमेल, मैं तो लॉ मेकर को कहूंगी हे जज साहब देखो आपने तो कानून बनाया है और कानून कहता है ही विल बी सेंट टू जेल, आई एम अ फीमेल डायरेक्टर, मुझे कुछ नहीं होना, मैं तो जेल नहीं जाऊंगी, तो बताओ मुझे क्या ये इंटरप्रिटेशन सही है? बट ये चीज कंपनीज एक्ट में नहीं लिखी है, ये लिखी गई है अंडर द जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 13 कहता है कोई भी कानून जब बनता है, कोई भी कानून जब बनता है, द मैस्कुलाइन जेंडर इज गोइंग टू इंक्लूड द फीमेल्स, सो इट्स बेसिकली ही ऑब्लिक शी, हमें बस महसूस किया जा सकता है। हे भगवान, बोलो राधे राधे। आनंद सर जो सुबह कह रहे थे मासूम मासूम बच्चे, आनंद सर को बोलना पड़ेगा ये वीडियो बता के, आनंद सर जैसा दिसता रहा तैसा रास्ता, बिल्कुल भी मासूम नहीं है ये बच्चे। तो सुनो मेरी बात, ये सारी बातें, सिंगुलर इंक्लूड्स प्यूरल, प्यूरल इंक्लूड सिंगुलर, एंड एक्ट कैन ऑल्सो इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट। तो भले ही आपने एक कुछ कांड किया है या मल्टीपल कांड किए, आपको सजा मिलने वाला है, क्योंकि यूजुअली जब हम कानून लिखते हैं हम लिखते हैं हिज एक्ट इज पनिशेबल, तो मतलब अगर कोई बंदा मल्टीपल बार कुछ ऑफेंस कर रहा है, इट्स नॉट एन एक्ट, दीज आर एक्ट्स। बट अब जीसीए कहता है भाई एक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्ट्स, आप कांड एक बार करो या मल्टीपल बार करो, आपको सजा मिलने वाली है। तो ये आईओएस और जीसीए आर मोर ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट, और इंटर लेवल पे इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपका जो लेवल है इट इज वेरी एक्सटेंसिव नॉलेज। और आज आप ये कानून पढ़ रहे हो, कल जाके कोई भी कानून आ सकता है। जैसे कि जब मैं सीए इंटर में थी, मुझे पढ़ाया था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, बट जब मैं सीए बन गई, वैट को हटा दिया और जीएसटी ला लिया, तो क्या मैं सरकार को ये बोलूं हे मोदी जी गलत कर दिया आपने, हमारे कोर्स में वैट पढ़ा के धोखा हो गया हमारे साथ, अब जीएसटी ला लिया, अब कौन वापस सीए स्टूडेंट बनेगा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं।
आपको कानून कैसे पढ़ा जाता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कल जाके जीएसटी भी हट गया, वापस वैट आ गया, तो अब फिर आप लोग इंटरप्रिट कर सकते हो कि वैट एक्ट में लिखा क्या है, क्या प्रोविजन कहता है, फ्रॉम और टू का क्या मतलब होता है, सिंगुलर प्यूरल कैसे रोल प्ले करता है, ये सारी चीजें समझाई जाएगी इन आईओएस एज वेल एज जीसीए। फेमा तो नाम ही कहता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो फॉरेन एक्सचेंज आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है तो फिर इस फॉरेन एक्सचेंज पे हमें तो थोड़ा बहुत कंट्रोल लाना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड कानून, कितनी सारी चीजें आपको अलाउड है, कितना कन्वर्जन अलाउड है, कितना क्या लिमिट है, अगर अलाउड भी है तो उसकी क्या लिमिट है, यही सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो इन फेमा। LLPs, I know you took it very lightly in foundation, but let me tell you practically, बहुत बार बोलने वाली हूं, मुझे मजा आता है ऐसे बोलने में LLP के लिए, जब आप प्रैक्टिकली देखोगे, प्रैक्टिकली आज genuinely, मतलब मम्मी कसम, लोग LLPs को इनकॉर्पोरेट करना प्रिफर कर रहे हैं। फगट एज अ स्टूडेंट दर्द है उसका अलग, बट प्रैक्टिकली हमें LLPs का देखा है ग्रोथ। ज्यादा साल नहीं हुआ है LLP एक्ट को आके, इट्स नॉट अ वेरी मैच्योर्ड एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 150 से ज्यादा साल हो गए, बट LLP 2008 में ही आया है, इट्स अ वेरी रीसेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट आजकल अगर हम जनता को पूछे, दे आर मोर कीन ऑन इनकॉर्पोरेटिंग LLPs बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेज। सबसे बड़ा एडवांटेज तो उसका लिमिटेड लाइबिलिटी का है, लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ साथ इट इज ऑल्सो हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप। तो एक तो काम करो मर्जी के हिसाब से, और लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, तो आपको ये श्योरिटी है कि जितना पैसा डाला है उतना ही पैसा डूबेगा अगर कुछ गलत हो गया तो, मेरा घर का पैसा डूबेगा नहीं और बर्बाद नहीं होगा। सो दैट इज वाई पीपल, आजकल स्टार्टअप का जमाना है, बट स्टार्टअप इज डन बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू, एंड यू ऑल डोंट हैव द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। आज अगर बोलेंगे 5 करोड़ डाल दे, डालोगे आप 5 करोड़? है ही नहीं, कहां से डालेंगे, है ना। तो अब वही तो बात है ना, आपके प्लान्स बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं, बट पैसा नहीं है, विटामिन एम। तो अब अगर विटामिन एम डालने भी बोला है, यू वॉन्ट टू, ऐसा नहीं, यू हैव कॉन्फिडेंस बट यू डोंट हैव द मनी। और कल जाके अगर बिजनेस का रिस्क हो गया, जितना पैसा था आपके पास, बेचारा दिन रात बच्चा जो है आर्टिकल असिस्टेंट, सुबह 8 बजे से काम करता है रात के 8 बजे तक, और लेता है 5,000, खून पसीने की कमाई है, और वो पैसा डाल दिया और बर्बाद हो गया। सोचो आप महीने भर आप काम करोगे 8 से 8, और क्या मिलेगा आपको 12 घंटे करने के बाद, घंटा भर। तो अब ऐसे केस में ऑब्वियसली बात है, इतनी आपने कमाई की, इतना आपने पैसा कमाया, और मिल क्या है इन रिटर्न, वेरी लेस। और वही पैसा आप बिजनेस में डाल रहे हो और बोल रहे हो वो पैसा गया तो गया, घर का पैसा भी ले लेंगे, इतना कौन रिस्क लेगा भाई, बिजनेस कर रहे वही बड़ी बात है, काम कर रहे हैं, हमारे दोस्तों को देखो। अब ऐसे केस में इसीलिए LLPs को काफी फैसिनेशन हुआ, और LLPs जैसे समुंदर जैसा आ गई, अचानक से बहने लग गई मार्केट में, एंड दैट इज वाई LLPs का इंपॉर्टेंस कॉर्पोरेट लेवल पे भी काफी बढ़ गया। LLPs, पहली बात तो इट्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज इवन मोदी जी इज एनकरेजिंग कॉर्पोरेटाइजेशन, बिकॉज LLPs आर रेगुलेटेड बाय द ROCs। तो देखो कल जाके कोई आप सोल प्रोपराइटर या पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो तो क्या होता है, एज अ सोल प्रोपराइटर एंड पार्टनरशिप नोबडी इज रेगुलेटिंग यू, जितना पैसा डालना है डालो, जितना पैसा निकालना है निकालो, जो करना है भाई करो, आपका ही बिजनेस, आपका ही पैसा, बढ़ाना है बढ़ाओ, घटाना है घटाओ, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, एंड नोबडी इज इवन कंट्रोलिंग यू, क्योंकि ये आपका निजी मामला है। LLPs प्रॉपर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मोदी जी को भी पता है LLP में कौन पार्टनर्स है, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, कौन मैनेज कर रहा है, किसने क्या वायलेट किया, LLP की एनुअल रिटर्न सबमिट की जाती है, और ये एनुअल रिटर्न में आप लिखते हो आपको LLP एक्ट फॉलो करना था,
इसमें से कौन सा सेक्शन आपने वायलेट किया, क्या आपको कोई सजा हुई है, मतलब आप ही लिख रहे आपकी ही रिपोर्ट में और मोदी जी को बोल रहे मैं चोर हूं, मैंने चोरी की और ये कांड किया और ये सजा मेरे को मिली है। यू फाइल द एनुअल रिटर्न, यू विल लर्न द सेक्शंस, एनुअल रिटर्न हर एलएलपी को हर साल फाइल करनी होती है, जिसमें एक क्लॉज होता है कि आपने सारे सेक्शंस कंप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं, और अगर आपने कंप्लाई नहीं किया है आपको उसके लिए क्या सजा हुई है। खौफ क्रिएट किया है मोदी जी ने, इसने कुछ कांड किया ना ये सबको बोलेगा मैं चोर हूं, मैंने चोरी की है और मेरे को ये सजा हुई है, इसको देख के बाकी के 10 चुप हो जाते हैं, क्योंकि मोदी जी नहीं कह रहे मैंने सजा दी है, ये बंदा खुद बोल रहा है भाई मैंने ये कांड किया और मेरी ये पुंगी बजी, तू चुपचाप बैठ। आप समझ रहे हो स्ट्रैटेजी, सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम मोदी जी। अभी देखा आपने मालदीव्स का क्या हाल हुआ है, देखा या नहीं देखा? इसलिए इधर किया, रिकॉर्डिंग में ले आया। तो अच्छा लगता है ऐसे आप लोग हंस रहे हो, खुश हो आप, गुड। सो यस, ऐसी सारी बातें हम करते रहेंगे, कुछ ऑन रिकॉर्ड कुछ। ओके, सो यस, सो एलएलपीस के बारे में हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, और कॉर्पोरेट लॉ के बारे में तो आप जानते ही हो, इंडिया में 15 लाख से भी ज्यादा कंपनीज है। ओके, कभी आप लोगों ने सुना है कोई कंपनीज के नाम, बोलो? हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और टाटा मोटर्स, अडानी, और अभी लेटेस्ट में कौन सी कंपनी के साथ क्या कांड हुआ है, क्या न्यूज में सुन रहे हो आप, पेटीएम, बट पेटीएम इज अ ट्रेडमार्क, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, 197 कम्युनिकेशंस, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर कंपनीज, और ये कंपनीज को भी क्या रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं इसमें होता क्या है, मैनेजमेंट भले ही इनके हाथों में है बट पैसा पब्लिक का है, आप पब्लिक से पैसा लेकर आप बिजनेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे रेगुलेशंस होना जरूरी है। सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप में आपका ही आपका पैसा है, आपके आपके घर वाले, आपको जो करना है पैसों के साथ आप करो, कोई लेना देना नहीं है। बट जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाते हो, यू आर टेकिंग फंड्स फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, आप पैसे किसी से ले रहे हो और काम कोई और कर रहा है, तो अपने आप में आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अच्छे से काम करो, और इसीलिए इज्जत में तो आप रहोगे नहीं, आपको रखना पड़ता है। इसीलिए हमने क्या किया है, बनाया है कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें ऑलमोस्ट 470 सेक्शंस है, बट ये सेक्शंस से डी एंड नहीं होता है, इसके साथ साथ है बहुत सारे रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ एक्ट पढ़ के बात नहीं पड़ेगी, एक्ट पढ़ने के साथ साथ क्या आपको रूल्स भी पढ़ने होते हैं। आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कॉर्पोरेट एंड अदर एक्ट्स और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, तो बताओ मुझे लॉ और एक्ट ये सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, ऐसे कैसे कोई बता सकता है मुझे, बताओगे? हाँ बोलो, चेक माइक पास करो, क्या बताओगे, एक्ट के बारे में बताओगे या लॉ के बारे में बताओगे? नहीं नहीं दोनों नहीं, एक के बारे में बताओ। अच्छा बताओ, लॉ बताओ। मैम लॉ के अंदर एक्ट्स, मतलब लॉ के अंदर सब कुछ आता है, जैसे कि एक्ट्स आते हैं, बाद में अमेंडमेंट्स आते हैं, ओके, बाद में उसके रिलेटेड जो कुछ केसेस है वो भी आते हैं, ओके, केस लॉज भी आते हैं, ओके, और उसके अंदर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आते हैं। वेरी गुड, रूल्स भी आते हैं, रेगुलेशंस भी आते हैं, केस लॉज भी आता है, एक्ट्स भी आता है, ऑर्डिनेंसेस भी आते हैं, बायलॉज, सब कुछ आता है इन द वर्ड एक्ट, सॉरी इन द वर्ड लॉ। वेरी गुड, क्या नाम है बेटा आपका? रोहन। रोहन, एक बार जोरदार तालियां रोहन के लिए। तो अगर वो कह रहा है, रोहन कह रहा है मैम लॉ जो है उसमें एक्ट भी आते हैं, रूल्स भी आते हैं, केस लॉज भी आते हैं, रेगुलेशंस भी आते हैं, बायलॉज भी आते हैं, तो एक्ट क्या होता है? एक्ट, इस लड़की को देना माइक, दूसरा माइक है, तब तक आप बेटा वो माइक पास कर लो। तो सेशंस आर गोइंग टू बी वेरी इंटरएक्टिव, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यूल टू प्लीज बी इन्वॉल्व इन द डिस्कशन। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मैम प्रज्ञा अग्रवाल। कहाँ से हो आप? छत्तीसगढ़। हाँ बेटा बोलो प्रज्ञा। मैम बिल होता है वो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास होता है, ओके, एंड देन प्रेसिडेंट का साइन होता है,
ओके फिर वो एक्ट बन जाता है. हाँ अग्रीड, ये तो प्रोसीजर आपने बनाया बताया एक्ट बनने का. एक्ट इज बेसिकली आई थिंक बट व्हाट इज एन एक्ट. ओके इट्स अ नैरो वर्जन ऑफ द ब्रॉड वर्ड लॉ. बट एक्ट में क्या सारी चीजें होती है जब आप कोई एक्ट पढ़ते हो क्या क्या रहता है उसमें. रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक. नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते. रूल्स तो फिर सीजी बनाता है. यहाँ पे कोई बात नहीं बेटा, आपने एक्ट बनाने का प्रोसीजर बता दिया. एक बार जोरदार तालियां प्रज्ञा के लिए. वेरी गुड, आपने जो कहा एकदम सही है. बट दैट वॉज द प्रोसीजर टू मेक एन एक्ट. चलो इसने बताया ये तो हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं. कभी भी कोई अगर एक्ट बन रहा है, कोई भी एक्ट, जैसे कि अभी मुझे बनाना है कंपनीज एक्ट 2000 बनाना है 25 अब बनाना है मुझे नया एक्ट, तो बताओ मुझे व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर. सबसे पहले क्या होगा. हाँ तो बिल, पहले तो ड्राफ्ट बनाया जाता है. तो ये ड्राफ्ट कौन बनाता है, कौन इनिशिएशन लेता है. नो देखो अब फाइनेंस मिनिस्टर तो इनकम टैक्स एक्ट में जाएगा. हम तो कॉरपोरेट लॉ में है तो कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा. वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स विच इज हेडेड बाय हुम, निर्मला सीतारमन. ओके तो क्या होता है, देखो मोदी जी अकेले देश नहीं चला सकते, आप समझो बात को. अकेला बंदा क्या क्या करेगा, बहुत कुछ कर रहा है वैसे बट फिर भी. बट अब उनकी अपनी एक फौज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने इंडिया को डिवाइड कर दिया है. एक कॉरपोरेट अफेयर्स है, एक एक्सटर्नल अफेयर्स है, एक होम अफेयर्स है, फेजी अफेयर्स है. फिर हमारा रेलवे है, स्टील है, यूथ है, योगा है, कितनी सारी चीजें है जिसके बारे में, मेडिसिन है, डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, कितनी सारी चीजें है जिसके बारे में हमें देखना है. अरे देखना है या नहीं देखना है. तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी एक फौज बना दी है और हर एक उन्होंने डिपार्टमेंट में एक लीडर बना दिया है और लीडर को अपनी टीम असाइन कर दी है. तो जैसे कि देयर इज वन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसके बारे में पूजा मैम ने बताया होगा. फिर और एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और विच इज हेडेड बाय निर्मला सीतारमन. एंड नाउ दिस निर्मला सीतारमन इज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट. वो देखती रहती है क्या कंपनी से रिलेटेड कोई नया कानून बनाने की जरूरत है, क्या कोई एग्जिस्टिंग कानून को अमेंड करने की जरूरत है, क्या कोई चीज सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, ऐड करने की जरूरत है, क्या कोई चीज को हटाने की जरूरत है. ऑन एंड ऑफ शी इज रेगुलेटिंग ऑल द कॉर्पोरेट्स इन इंडिया एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंडियन एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वी आर मेकिंग द चेंजेस इन आर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो. कल जाके अभी जैसे अगर कुछ से जैसे कुछ साल पहले सत्यम का बड़ा कांड हुआ था, मे बी हाँ जो स्कैम हुआ था, हो सकता है मे बी 10 years डाउन द लाइन ऐसे कोई दूसरा सत्यम 2.0 आ जाए, हो सकता है ना, क्योंकि आजकल के लोग भी बड़े चालाक हैं, फ्रॉड करने के भी तरीके नए नए हैं. अब ऐसे केस में लोग जिंदा है फिर भी ट्वीट करते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेजते कि हम रहे नहीं तब मतलब स्टंट तो पब्लिसिटी एक से एक है, रियल दुनिया गई बढ़ रहे, सब यही चालू है. तब ऐसे केस में कुछ कांड, अरे आप लोग बहुत ही सच में इनोसेंट हो, सच में कह दिया 7 दिनों में गोरापन बिलीव कर दिया आप लोगों ने. अरे ये मजाक में मतलब आप हंस रहे हो बट ये जो पेटीएम, जोमैटो, ये सब नायका, ये सब जब IPOs आए लोगों ने भर भर के दिल खोल खोल के पैसा डाला और बाद में इनकी हालत देखो अब क्या है. कमिटमेंट देना अलग बात होती है और सिर्फ पैसे के लिए आप कमिटमेंट पे कमिटमेंट दे रहे हो, रील्स पे रील बना रहे हो, अलग बात होती है बेटा. रील्स बनाना 1 मिनट का काम है, कंटेंट देना जिंदगी भर का कमिटमेंट है. बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है. टाटा आज नाम जब हम सुनते हैं अपने आप दिल से रिस्पेक्ट आता है. और ये चीज जरूर पता है कुछ हो ना हो रिटर्न 1% कम मिलेगा बट धोखा नहीं होगा, ये अश्योरिटी है दिल में, ये चीज होना चाहिए. आज क्या लोगों को बता दिया अभी नायका है, जोमैटो है, एड पे एड देखे इन्होंने यंगस्टर्स को ही पुल किया है. आप जैसे लोगों को, आप लोगों को ये चीज फैसिनेटिंग लगती है
बट जब रिटर्न की बात आई, जैसे ही लिस्ट हुई, पूरा डाउन. दिस इज रियलिटी, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम फेकिंग. बेटा रियल लाइफ और रील लाइफ में बहुत फर्क होता है, और जनता ये चीज नहीं जानती, स्पेशली द यूथ. उनको ऐसा लगता है जो कैमरा में दिखाया जा रहा है वही असली पिक्चर है, बट बेटा वो एक मिनट और वो लाइफ टाइम कमिटमेंट में बहुत ज्यादा फर्क होता है. हो सकता है 10 साल बाद सत्यम 2.0 आ गया और जनता बर्बाद हो गई, तब हो सकता है फिर निर्मला सीतारमन को प्रेशर आए टॉप से कि नाउ वी वॉन्ट टू मेक अ न्यू एक्ट, कंपनीज एक्ट 2040. हो सकता है ऐसा, हु नोज. और तब हम सोचेंगे एक्ट बनाएगी इसी तरह से कि आज के जमाने के लोग ही चोर है, और उसी हिसाब से एक्ट को बनाया भी जाएगा, और स्ट्रिक्टर और कंप्लायंसेस और फाइलिंग. तो ऐसा होता है, या तो आपको गवर्नमेंट कहता है या तो कंसर्न मिनिस्ट्री खुद होके क्या करती है, एक ड्राफ्ट बनाती है. इसको हम आज बिल कहते हैं, ड्राफ्ट को. आपको जो कहना है, आपको लेमैन लैंग्वेज में वी कॉल इट एज अ ड्राफ्ट, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ बिल. एंड देन दिस बिल इज लेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा. एंड देन वंस इट इज पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इट गोज टू आर ऑनरेबल प्रेसिडेंट. हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेरी गुड, द्रौपदी मुर्मू, है ना. फिर जैसे ही उन्होंने कंसेंट दिया, दिस बिल विल बिकम एन एक्ट. बट देखो, एक्ट आज बनी है, आज पार्लियामेंट के ये लोग जानते हैं, मिनिस्ट्री के ये लोग जानते हैं, बट आपके और मेरे जैसे जो आम जनता है वो थोड़ी ना जानती है इस बारे में. यस yes, और इसीलिए इन एक्ट को पब्लिश किया जाता है इन व्हाट? द ऑफिशियल गैजेट. वेयर इज इट पब्लिश? ऑफिशियल गैजेट. सो ऑफिशियल गैजेट इज लाइक अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जिससे जनता को समझ में आता है कौन सा नया कानून बना है और कब से वो नोटिफाई होगा और कब से आपको वो कानून एप्लीकेबल हो जाएगा. तो आपने जो प्रोसीजर बताया प्रज्ञा, वो करेक्ट था, बट व्हाट आई वाज आस्किंग इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्ट? लॉ तो इसने बताया बच्चे ने, लॉ इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड. उसने कहा लॉ में तो मैम एक्ट है, ये लिख लिया आप लोगों ने? आप बताओगे एक्ट में क्या क्या आता है? एक्ट में कोई जैसे एक्टिविटी, अगर कंपनीज कोई एक्टिविटी कर रही है हाँ. तो उसका प्रोसीजर, उसका कॉन्ट्रावेंशन में क्या हाँ. तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर कोई चीज में कुछ ये प्रोसीजर लिखा है उसको हम क्या कहते हैं? सेक्शन. वेरी गुड, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज. क्या बात है, क्या नाम है बेटा आपका? जयश्री पांचाल. जयश्री के लिए एक बार जोरदार तालियां. क्लास की सारी लड़कियां ही जवाब दे रही है, छोरो थोड़ा शर्म करो. उसके अलावा सारी लड़कियों ने हैंड रेस किया था, बस इसने लड़के ने जवाब दिया. उसके बाद गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू द गर्ल्स. ओके, सो यस, देखो सुनो मेरी बात. एक्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ द वर्ड लॉ, बट एक्ट मतलब क्या? सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. सिर्फ एक्ट पढ़ के बात नहीं बनेगी. हम लोग जो क्लास में पढ़ने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी लॉ. दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? लॉ. तो देखो लॉ में क्या क्या आता है, लिखते हो अभी? आ गया लॉ में क्या क्या आने वाला है? देखते, सबसे पहली बात तो जैसे ये दोनों भी लड़कियों ने कहा, आती है एक्ट. सो एक्ट इट इज अ टाइप ऑफ लॉ. अगर आप देखोगे लॉ का ही बच्चा एक्ट है, देख रहे हो ना आप, लॉ का ही बच्चा एक्ट है. सो यस, अग्रीड, एक्ट इट इज अ टाइप ऑफ लॉ. और हमने जो डिस्कस किया, एक्ट कहां पे पास होती है? पार्लियामेंट में. कहां पास होती है? इट इज अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट. देखा ना, पार्लियामेंट मतलब क्या? लोकसभा एंड द राज्यसभा, जहां पे रूलिंग पार्टी तो होती है, यस, ऑपोजिशन पार्टी भी होती है. बहुत कुछ होता है पार्लियामेंट में. लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को चुम्मी देते हैं,
वो देखा था आप लोगों ने, बेंचेस पछाड़ना तो अभी बहुत कॉमन हो गया है, वो तो अभी अज्यूम करते ही है, सेशन है ही तो अभी होने ही वाला है वो। आजकल का वो रिचुअल है, जैसे कुछ भी शुभ काम करने के पहले हम बोलते ना गणपति बाप्पा। वैसे पता ही अभी पार्लियामेंट का सेशन है, मतलब बेंचेस तो बैंग होने वाले हैं, बट उसके अलावा भी आजकल काफी ड्रामा होता है, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, कभी देखना मजा आएगा आपको। सो इट इज अ टाइप ऑफ लॉ विच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। लिखो तो पार्लियामेंट, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ, जैसे ही गुड़िया ने कहा, बोलो कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज। वेरी गुड ऑल माई वर्चुअल किड्स, गुड सुरवी तुषार अली, वेरी गुड आशना, ओके। लॉ के साथ साथ, लॉ में एक्ट तो है बट एक्ट के साथ साथ रूल्स भी है। एक्ट जहां पार्लियामेंट में बना है, पार्लियामेंट, पता है रूल्स कौन बनाता है, बोलो बोलो रूल्स कौन बनाता है, कम ऑन गाइस, रूलिंग पार्टी दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द रूल्स, मतलब करंटली इट इज मोदी जी, सच में। तो आज आज आपने देखा स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में हमने कुछ लिमिट्स दिए है पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर के, बट उसी डेफिनेशन में हमने लिखा है और हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, जहां पे भी कंपनीज एक्ट में और एलएलपी एक्ट में आप देखोगे ना एज मे बी प्रिस्क्राइब मोदी जी, समझ लो आप, ही इज द वन द ओनली वन, वही फिर आपको जवाब देंगे कि अगर एज मे बी प्रिस्क्राइब लिखा है तो अब स्मॉल कंपनी है या नहीं है, उसके लिए हम पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट देखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और आप लोग जानते हो आपने फाउंडेशन में भी किया है, बट डायरेक्ट एंट्री के बच्चों के लिए मैं बोलना चाहती हूं, जैसे कि पेड अप शेयर कैपिटल के लिए जो लिमिट मोदी जी ने प्रिस्क्राइब की है दैट इज 4 crores करंटली, एंड टर्नओवर के लिए मोदी जी ने जो लिमिट प्रिस्क्राइब की है दैट इज 40 crores। कल जाके मोदी जी को नींद नहीं आई, अब सोच रहे हैं, चल रहे हैं, आ जाएगा अगले दिन, मित्रों बस 4:40 हो गया, मे बी 1000, यू नेवर नो, सो दैट इज देयर, ओके। सो रूल्स आर गवर्न्ड बाय द रूलिंग पार्टी दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और रूलिंग पार्टी मतलब रूलिंग पार्टी, देयर इज नो ऑपोजिशन, देयर इज नो ऑपोजिशन, तो उसके वजह से बात बढ़िया कैसे बन जाती है, देयर इज नोबडी टू ऑपोज यू। आपने चाहा तो आज 4:40 है, आपने चाहा तो वापस से 2:20 भी हो सकता है, और आपने चाहा तो ऐसा भी हो सकता है 10:00 हो गया, सो वॉट एवर यू फील माइट हैपन इन केस ऑफ रूल्स। तो आप बताओ किसको चेंज करना आसान है, रूल्स और एक्ट के बीच में, कम ऑन गाइस, किसको चेंज करना आसान है, किसको लाना आसान है, सेम, अगर इसको चेंज करना आसान है, रूल को, नए रूल को लाना भी तो आसान है ना, क्योंकि उसका भी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, रूलिंग पार्टी, अमेंड करना भी रूल्स को आसान है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आज तक 3 बार अमेंड हो चुकी है, 2013 से आज तक 2024 तक 3 बार तो अमेंडमेंट आ चुका स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में। वाई? बिकॉज दिस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का पावर इज विद द रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी डिसाइड करती है कि पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का क्या लिमिट हमें करना है प्रिस्क्राइब। गेटिंग दिस ऑर नो? सो इट्स वेरी इजी टू चेंज, टू मेक, टू अमेंड, टू एड, टू डिलीट द रूल्स एज कंपेयर टू द एक्ट।
एक्ट में तो हमारे रूलिंग पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी भी है, वो काम ही करती है ऑपोज करने का, तो ऑब्वियसली बात है काम तो करेगी ना, तो ऑपोजिशन तो आने ही वाला है, तो उसको चेंज करना, लाना, अमेंड करना इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द रूल्स. तो रूल्स के लिए जरा लिखना तो सब लोग. इट इज अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट इज अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दोज मैटर्स एज आर मेंशन्ड. क्या लिखा रहता है एक्ट में जब आप रूल्स को रिफर करते हो, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ऐसे ही मेंशन्ड होता है ना, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. Means it is by the rules. But सिर्फ act और rules से law नहीं बनता है. आपको पता है act और rules के साथ साथ आपको करने होंगे case laws. आपको करने होते हैं case laws. What are case laws? आपने सुना है कभी चिनैया versus रमैया, बैल्फर वर्सेस बैल्फर, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ऐसा कुछ पढ़ा है ना आप लोगों ने? व्हाट आर दीज? दीज आर केस लॉज. तो क्या होता है ये केस लॉज? दीज आर रियल सिनेरियोज जहां पे क्या होता है बेसिकली. लॉ तो कानून बनाने वाले तो कानून बना के चले गए, मतलब 150 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, बनाया भी चले भी गए वो लोग, बट आज भी हम वो कानून फॉलो करते हैं. और कल जाके कानून फॉलो करते करते अगर कुछ दिक्कत आ गई, मैं कुछ एक तरह से इंटरप्रिट कर रही हूं, आप इसी कानून को कोई और तरीके से इंटरप्रिट कर रहे हो, तब ऐसे केस में हो जाता है ये दिक्कत, कौन सही कौन गलत. मैं भी सही हूं बट आप भी गलत नहीं हो. तो नाउ देयर शुड बी सम ऑथराइज्ड बॉडी हु विल गिव द जजमेंट कि ये सिनेरियो में ये इंटरप्रिटेशन सही है, और इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अब हम ये जजमेंट ले गए कि ये सही और ये गलत, ये ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दैट्स हाउ इट इज. एंड इंटरप्रिटेशन के बहुत इश्यूज आते हैं. वोडाफोन का ये केस था, वोडाफोन और आइडिया का, ओके, जहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कंपनी स्टेटिंग दैट इनकम टैक्स लॉस के हिसाब से आपको ये टैक्स भरना जरूरी है, बट कंपनी कहती है नो नो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे दिस टैक्स. अब सवाल ये है टैक्स देना है या नहीं देना है. तो अब चले गए कोर्ट ऑफ लॉ में, और ये कितने का केस फाइल हुआ था वोडाफोन के अगेंस्ट? 11,000 crores. 11,000 crores. Fortunately, the company won the case. And it did not have to pay the income tax. अगर पे करना होता तो 11,000 crores का इनकम टैक्स और ऊपर से उसका जो इंटरेस्ट वो अलग, हजारों करोड़ में होता वो भी. बट फॉर्चुनेटली द डिसीजन वॉज टेकन इन फेवर ऑफ वोडाफोन एंड द कंपनी डिड नॉट हैव टू पे द टैक्स. ओके, सो ये केस लॉज में जो डिसीजन आते हैं, दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ आर लॉ. कल जाके दूसरी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, अब वो भी यही चीजें फॉलो कर सकती है और कह सकती है देखो जज साहब, आपने वोडाफोन के केस में ये डिसीजन लिया था, द सेम इज एप्लीकेबल फॉर अस ऑल्सो, तो हम भी इस केस में ये टैक्स नहीं देंगे. सो दिस केस लॉ ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ योर लॉ. तो केस लॉज के लिए जरा लिखना केस लॉज. अच्छा, आप बता सकते हो मुझे कंपनीज एक्ट में कौन ऑथराइज्ड बॉडी है टू टेक द डिसीजंस ऑफ सच केसेस? आरओसी तो डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है बेटा. आरओसी थोड़ी ना ये देखेगा कौन सही कौन गलत.
एमसीए में कौन? इतने कॉन्फिडेंटली तुमने हैंड रेस किया, सुनो. हाँ एग्जैक्टली, इट्स द एनसीएलटी. क्वेश्चन ये था बेटा कि कंपनीज एक्ट में कौन सी वो ऑथराइज्ड बॉडी है जो ये सारे प्रोविजंस को अप्लाई करके ऑर्डर पास करने वाली है. सो इट इज द एनसीएलटी, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. इट इज द एनसीएलटी. जैसे अपना कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वैसे कंपनीज के लिए हमने स्पेशली बनाया है द एनसीएलटी, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. तो लिखिए तो केस लॉस के वहां पे, समटाइम्स एन ऑथराइज्ड बॉडी, समटाइम्स वर्चुअल किड्स, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो राइटिंग इट डाउन. गुड देव, गुड अनिकेत, गुड प्रेरणा, नाइस नाइस ट्विंकल. सो लिखो, समटाइम्स एन ऑथराइज्ड बॉडी आप लिख सकते हो कंपनीज एक्ट के लिए, जैसे कि एनसीएलटी है. हमारे स्पेशल कोड्स भी है, अप्लाइज द प्रोविजंस एंड पासेस एन ऑर्डर. तो सच judicial decisions form a part of law. ओके, एक बार जोरदार तालियां स्वप्निल सर के लिए. हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून. कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर हैविंग गुड टाइम गाइस. ओके सो दोस्तों, मेरा एक सवाल है, चलो बातों को कंटिन्यू करते हैं. कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? कौन सा है बड़ा और कौन सा है छोटा? व्हिच वन इज ब्रॉड? सो लॉ है बड़ा और एक्ट है छोटा. बताएंगे आप इंटर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉ पढ़ेंगे या एक्ट पढ़ेंगे दोस्तों? यानी कि आप ज्यादा बड़ी चीजें पढ़ेंगे या छोटी चीजें पढ़ेंगे? आईसीएआर चाहती है आप एक्ट ना पढ़े बल्कि लॉ पढ़े, और लॉ में बताएंगे कौन सी चीजों का समावेश किया जाता है. नंबर वन, मतलब उसमें एक्ट तो होगा ही होगा, और क्या होगा? रूल्स होंगे, और साथ में यानी कि केस लॉ, रूल्स और द एक्ट, इनको तीनों को मिला के बन जाता है आपका. यानी कि जब भी सिलेबस में केस स्टडी भी आई तो पढ़ना पड़ेगी, और साथ साथ में एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है और रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई सेक्शंस के नीचे रूल लिखे होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, मैं पूछ सकता हूं? हाँ, पूछो पूछो. बताएंगे, एंड प्लीज टेल मी गाइस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड रूल्स? कौन बनाता है सेक्शन, कौन बनाता है रूल? क्या आप जानते हो इस बात को? कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, कौन बनाता है? कोई आप में से सेक्शन कौन बनाता है? बट आप जवाब देंगे, क्या बात है? सेक्शन बनाते हैं पार्लियामेंट, रूलिंग पार्टी बनाती है सेक्शन, रूल्स बनाते हैं, और सेक्शन कौन बनाता है? बिल्कुल सही जवाब. क्या नाम है आपका जी? राज, कहां से हैं आप? राज फ्रॉम रायपुर के लिए जोरदार आ रहे, सही जवाब दे रहे. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक ये क्लास काफी इंटेलिजेंट मुझे नजर आ रही है, जहां पे लोगों को ऐसा लग रहा है पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी नो एवरीथिंग अबाउट दिस, राइट? सर मैंने पढ़ा है. I'm so sorry. नहीं, मतलब ऐसे भी उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है. सो दोस्तों, आप बताएंगे रूल्स की बात करेंगे, तो रूल्स जो है भारत सरकार, अब बताओ एक सवाल है, रूल्स जैसे आप जानते हो कि रूलिंग पार्टी बनाती रूल, तो एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट में और रूलिंग पार्टी में फर्क क्या होता है? रूलिंग पार्टी में केवल इस समय बीजेपी है, यानी मोदी सरकार है, और जो हमारे पार्लियामेंट में कौन से लोग होते हैं, वहां पे राहुल गांधी भी होते हैं, वहां पे ममता बनर्जी भी होती है, वहां पे आपके भी लोग होते हैं, वहां पे सब, जी बिल्कुल, केजरीवाल के फैन बेटे वो भी वहां पे होते हैं. बेटा बहुत आगे जाएंगे आप, हर एक अपना अपना चॉइस है. दोस्तों
आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट में सब लोग होते हैं, जो जीत जो बीजेपी जैसे जो चुनाव जीत कर आती है वो लोग भी होते हैं, और जो सिर्फ एमपी होते हैं पर जिनकी सरकार नहीं होती है, जैसे कि भारत में और भी बहुत सारी पार्टीज है, जैसे कांग्रेस है और दो तीन पार्टीज का नाम बताओ, कुछ जानते हो पॉलिटिक्स में? आप है, कांग्रेस है, हम भी है, हाँ आगे बोलो, हम भी है, हाँ जी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना, चलो ठीक है, आप जानते हो, जानते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या आप मुझे बताएंगे मैम इनको इसके बारे में बताया? किसके बारे में? ऑफिशियल गैजेट के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था, और आई वाज अबाउट टू शो द ऑफिशियल गैजेट ओनली। बस एक बार मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आप सभी से, दिव्य और सज्जनों, आप बताएंगे ऑफिशियल गैजेट नाम की चीज क्या होती है? आप में से कौन जाता है ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? एनीबडी ऑफ यू नो अबाउट दिस? बेटा आप कुछ अच्छा इधर आइए, जरा हमारे पास में आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। कहां इतनी इतनी खुशी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। व्हाट्स योर नेम? जयश्री जी, कहां से हैं आप? इंदौर। जयश्री फ्रॉम इंदौर का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारी क्लास वुमन एम्पावरमेंट पे बहुत बिलीव करती है। जयश्री आप बताएंगे, हम वुमन एम्पावरमेंट पे बहुत बिलीव करते हैं जी। ओके, और जयश्री आप बताएंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है वैसे? व्हाट्स दैट? जैसे गवर्नमेंट को कोई भी किसी भी चीज के बारे में पब्लिक से कम्युनिकेट करना होता है तो वो ऑफिशियल गैजेट में चीज मतलब जो पब्लिश करते हैं और वो पब्लिक तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। बिल्कुल, जब तक वो चीजें ऑफिशियल गैजेट में ना आई हो वो जनता को एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर उन्होंने पार्लियामेंट में दिल्ली में बैठ के लोकसभा में राज्यसभा में राजपथ में कुछ बना के बोला भी होगा, अरे हमें कैसे मालूम उन्होंने अंदर क्या बातें करी है। So, हमें वो तभी एप्लीकेबल होगी जब वो ऑफिशियल गैजेट पे आती है। जैसे हम लोग ने शादी की, कैसे पब्लिक को मालूम चला? इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। तो ये उनका इंस्टाग्राम है, जरा खोलो पब्लिक का, जरा बताइए मैम, यही हो? हाँ। यही, ध्यान से देखिए ऑफिशियल गैजेट को, यहां पे आती है आपकी सारी अपडेटेड न्यूज। आप देख सकते हो जो भी भारत सरकार नए नए कानून बनाती है वो आती है ऑफिशियल गैजेट पे, वरना हम जैसे लोगों को समझ नहीं आएगा कि अमेंडमेंट्स आई तो कौन सी आई, कब आई, और अरे सर मुझे तो पता ही नहीं था भाई। अब ये आपको पास बोलने का चांस ही नहीं है, आपके पास में ऑफिस आपकी आपकी ड्यूटी बन जाती है ना, आप रुकिए, आप कहां जा रही हो? आपकी और हम सब की ड्यूटी बन जाती है कि हमने बार बार जाके इस वेबसाइट को विजिट करें और जानकारी हासिल करें कि आखिर भारत सरकार ने कौन से नए नए कानून बनाए और कौन से नए अमेंडमेंट्स। एवरीबॉडी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, लोकसभा राज्यसभा में वो सब कुछ हो गया, दोनों ने हां बोल दिया, प्रेसिडेंट ने भी हां बोल दिया, तब वो हमें एप्लीकेबल होता है या यहाँ पे आने के बाद एप्लीकेबल होता है? ऑफिशियल गैजेट में आने के बाद। कैसे ही कह रही है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ऑफिशियल गैजेट आजकल इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑफ इंडिया। सोचो जब इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ करता था तो तब वो ऑफिशियल गैजेट मैनुअल फॉर्मेट में हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी कैन जस्ट हैव टू विजिट द वेबसाइट एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आखिर नया क्या है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। ऑफिशियल गैजेट मींस यू आर ऑफिशियल इंस्टाग्राम के पोस्ट पे। हाँ बेटा तू। ओके अब मैम थोड़ा सा आगे, मैं कुछ आपका कुछ चल रहा था क्या? मतलब आई एम सो सॉरी, नहीं नहीं बहुत क्षमा चाहते, आप कुछ कंटिन्यू, मुझे तो बहुत कुछ मेरे दिल में है। नहीं आप बोलिए सर, आप रोको मत खुद को, इनको बोलिए। ये कंप्लीटेड है? हाँ इतना हो गया है, मैं नेक्स्ट पार्ट थोड़ी देर से कर लेती हूँ। नहीं मतलब मैं कुछ और ज्ञान देना चाहता हूँ। बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे? कंपनीज पढ़ रहे, और कंपनी के सबसे बड़े दो पिलर कौन? Come on guys, who are the two biggest pillars of the company? एक है शेयर होल्डर जिसके बाप की कंपनी होती है, और दूसरा कौन? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर में फर्क क्या? कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर? आप जवाब दे सकती है, आइए सर हमारे पास। ओके आप में से कोई यहाँ पे, सारी चिंटियां जवाब दे रहे हैं, कोई चिंटू में? एग्जैक्टली, सारी लड़कियां ही आ गई इस क्लास की। हमारे छोरे भी क्या छोरियों से कम है? अरे छिछोरो अपनी इज्जत का। सारे लड़के शर्मा रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। एक मिनट रुको बेटा, ओनली द गर्ल्स वांट। हमारे लड़कों का क्या ना एटीट्यूड, हम पहले सब चीजों को समझते हैं परखते हैं। हम पहले अभी आज ब्यौरा ले रहे हैं, हमारा एंगल सेट कर रहे हमारा कुछ हमारा अभी तो, अरे अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो आपने देखा ही क्या, अभी तो हम लोग मौसम में आना बाकी है। ये आंधी के पहले का सन्नाटा है भाई, अभी हम नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
यार इनको बोलो रे, अरे जितने यहाँ पे पुरुष बैठे हैं, हाउ इज जोश? अब मैं लड़कियों से यही सवाल पूछता हूँ, सिर्फ लड़कियां बोलेगी, और जो पहले लड़कों में भी नहीं बोले और लड़कियों में नहीं बोले वो अलग लेवल है, ठीक है, वो चुपचाप ही बैठना क्योंकि वो कहीं भी नहीं है यहाँ पे, उनको अलग से मिलेंगे किसको मिलना है नहीं मतलब उनको अलग से पूछेंगे, तो जितनी लड़कियां बोलेंगे हाउ इज जोश, हाय सर, मजा नहीं, मजा आया बच्चों? लड़कों के पर लड़कों जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में अपने घर से चिल्लाओ, घर वालों को जो लोग लड़के हाउ इज जोश, जान दो मैडम क्या करते हैं, असली आवाज दिल में और हमारे जुनून में होती है बेटा, आप आइए, आप जब रिजल्ट आएगा सर तब हम एक मिनट मैडम देखो जरा सुनो जरा आपके जो 7 रैंक के साथ है उसमें से कितने लड़के और कितने लड़के मालूम है? 4 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, ओके एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ आपको, 4 लड़के हैं, 4 1 2 3 4 4 लड़के हैं, लड़के बेटा जाने दो छोड़ो अभी हमारा सेट हो जाने दो, एक बार हम सेट हो जाएंगे ना बॉयज तो फिर हम धपाल मचाएंगे बेटा, हाँ। क्या नाम है आप? मनाली सिंह, कहाँ से आई? अहमदनगर, मनाली फ्रॉम अहमदनगर हमारे बीच में इस समय उपस्थित है, मनाली आप बताएं शेयर होल्डर डायरेक्टर दोनों में डिफरेंस क्या? शेयर होल्डर जो होता है वो ओनर्स होते हैं सिर्फ, बट वो डिसीजंस नहीं ले सकते कंपनी में, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो डिसीजंस और मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। पार्शली मैं करेक्ट, क्या आपको लड़कियों के पक्ष में कुछ बोलना है? मतलब मैं थोड़ा सा इस बात से इतना सहमत नहीं था, मतलब सारे बॉयज नहीं होंगे, इन्होंने एक बात जो कही जो यहाँ पे मुझे, इन्होंने क्या शेयर होल्डर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं? आपने ऐसा बोल के हमें दर्द दिया है और कुछ नहीं और आपकी पार्टी फिर से कमजोर हो रही है, कोई बॉयज यहाँ पे बताएंगे ये क्या जो कोई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर, एनीबॉडी? बड़ा आप इधर बेटा, अगर तूने गलत जवाब दिया ना ए अमर विंडो खोल रहे जल्दी से, प्लीज कम यार, आजा अच्छे से बोलना, चीटर अरे हमारी यूनिटी यूनिटी, हाँ। बेटा तू शेयर होल्डर और डायरेक्टर में आई ट्राई माय बेस्ट, शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जब कंपनी को जब पैसे की जरूरत है तो वो इशू जब करता है, ठीक है, शेयर्स वगैरह इशू करता है, तो शेयर्स का मतलब यह है कि उसने मतलब कुछ इन्वेस्ट किया है, उसका कुछ हिस्सा है उसमें, लेकिन वो डे टू डे में वो इन्वॉल्व नहीं होता है, डे टू डे में इन्वॉल्व नहीं होता, ये तो जुबान की बात छीनी है, डे टू डे ऑफेंस में वो इन्वॉल्व नहीं होता है, पर क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसीजन में इन्वॉल्व होता है ना सर, वो भी एक तरह से ऑनर है उसका, उसमें डिसीजन वो अपना दे सकता है, डिसीजन दे सकता है वो अपना डिसीजन, तो जैसे जैसे साल में एनुअल जनरल मीटिंग जब होता है वहां पे सबके गैदरिंग, ये बात इन्होंने हमें दुख पहुंचाया था कि डिसीजन में, मैडम देख लो अब जो भी है सच्चाई सबके सामने है, लाइव स्ट्रीमिंग वाले खुद आप जवाब देना कि क्या हुआ, आप रिजल्ट आप देंगे, आप जज है, बेटा तूने जो बोला ना जुबा की बात छीने मेरा बच्चा, एग्जैक्टली उसने आपकी जुबा की बात ले ली है, नहीं नहीं अमर तो सिर्फ वो मतलब उसको कॉन्फिडेंस दिला रहा उसके कान में, ये बोल रहे थे ना लव यू टू बेटा लव यू टू, यही बोल रहे थे ना उसके कान में, दो लड़कों में प्यार हो सकता है भाई भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर दो लड़के आपस में एक दूसरे को चाहत करे तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो आप सभी को बता रहे डे टू डे, डे टू डे अफेयर्स में भले ही हम शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं पर हमने कुछ लोगों को अपॉइंट किया होता है, उनका नाम होता है डायरेक्टर्स, एंड डायरेक्टर्स हैव बीन अपॉइंटेड टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स, जैसे कि मैं रिलायंस का मालिक हूं और सब हंसते यार मेरे, डोंट यू थिंक आई एम द ओनर? यस सर यू आर द ओनर बिकॉज़ वी हैव द बॉट द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, आई बॉट द शेयर, मेरा बच्चा ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, he handles my portfolio. So, ये जो बच्चा है जो आपके सामने है इसने अभी कहा कि because I own the shares, मेरे जैसे जितने भी तमाम लोग हैं जो रिलायंस के शेयर्स को क्या करते हैं ओन करते हैं, they all become what, come on everyone? पर हमारे पास टाइम कहाँ है? We are भले ही कंपनी बॉम्बे में, we are not, we don't have time to go there and to manage, because भाई आपने उस टाइम है क्या? नहीं सर, आपने उस कहाँ टाइम है?
हमने हमारे बिहाफ में अपने कुछ एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जिनका नाम डायरेक्टर्स है। मैम जरा डायरेक्टर बताइए स्क्रीन के ऊपर, डायरेक्टर्स कहां से लाते हैं, इस पे बताएंगे उस पे दिखा दो डायरेक्टर्स मेरे, इस पे भी दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके सो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद आएंगे कुछ डायरेक्टर्स, द डायरेक्टर्स ऑफ द रिलायंस। और तो मैं मेरी आंखों यहां पे बताएंगे कितने लोग जो हैं कोई दे हैव दे आर ओनिंग द शेयर्स ऑफ रिलायंस। यहां पे रिलायंस एक दो बेटा खड़े हो जाना, अपने जहां पे बेटा खड़े हो जाओ बेटा, उधर खड़े हो जाना, हाँ अभी और चिंटी भी खड़े हो जाओ इधर। ओके ये जितने भी लोग हैं ना खड़े हुए, ये कौन है? ये शेयर होल्डर्स नहीं है, ओनर्स है। ओनर्स क्या है? दे आर दी शेयर होल्डर्स। यहां पे रिलायंस के मालिक बैठे हुए, समझ रहे हो आप? और हमको डिसीजन लेने का अधिकार होता है, हमको नहीं होता है। वो बात और हमारे पास टाइम नहीं एजीएम में जाने को, वरना मोस्ट ऑफ दी फैसले हम लेते हैं ओआर और एसआर पास करके। क्या भैया सही है क्या? नहीं हाँ हाँ देखो देखो एक नहीं बेटा एक लड़की के पास है हाँ तीन बॉयज बेटा कोई बात नहीं, बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों आप समझेंगे, हम लोग सभी को एजीएम में इनवाइट किया जाता है। आई कैन शो यू द एजीएम। आज मैम आपको मीटिंग पढ़ाने वाली है, उस मीटिंग के कॉन्सेप्ट्स इसको लिंक करेंगे। मीटिंग होती है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, बराबर कहना मैम? यस। दूसरा वाला मीटिंग का नाम बताओ। ईजीएम, ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हां शेयर होल्डर्स को दो मीटिंग में, बेटा कितने मीटिंग में बुलाया जाता है? दो मीटिंग में। कौन सी एजीएम और ईजीएम? ईजीएम, एजीएम एंड ईजीएम। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए अलग मीटिंग, उसको कहते हैं बोर्ड मीटिंग्स। इस सिलेबस में जो सीए इंटर के लिए दिया है वहां पे वी हैव टू, मैम सारा सेक्शन बताओ कहां से कहां तक होते हैं मीटिंग वाले? ओए हाय, अरे भाई हम लोग जो सेक्शंस है मीटिंग yes. के ये जो मीटिंग जो कह रहे हैं 96 एंड ऑनवर्ड जो सेक्शंस होते हैं, कितने सेक्शंस होंगे? 15-20 उस चैप्टर के chapter वो चैप्टर तो 88 से चालू होता है और हाँ, 122 तक जाता है। 88 से लेके 122 तक 35 सेक्शंस, 35 सेक्शंस हम लोग को सिर्फ मीटिंग कॉन्सेप्ट पे पढ़ना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आखिर कंपनी से एक मीटिंग में बोलेगा क्या कि ये जितने भी शेयर होल्डर हमारे जैसे जो लोग हैं, बोलो भाई इनको मीटिंग में बुलाना चाहिए। राइट, वी ऑल आर एंटाइटल्ड टू गेट द नोटिस ऑफ एजीएम। भाई साहब आपको नोटिस मिलती है? आप अटेंडेड, वो तो अपना पर्सनल चॉइस है, आपको मिलती है? चेक नहीं किया बेटा अब तक? मेल, मेल बेटा चेक, ईमेल आता है, हम आपको दिखाएंगे एजीएम को। सर ये एजीएम में नोटिस आना चाहिए, बोला किसने? कंपनीज एक्ट के सेक्शन ने कहा हर कोई शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। भाई साहब ये जो कंपनीज करती है ना वो करने की वॉलंटरली नहीं करती है, कंपनीज एक्ट बना इसलिए है ताकि हम जैसे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। व्हाई कंपनीज एक्ट आर इंट्रोड्यूस, वरना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को लूट लेंगे साहब। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, ये मुकेश अंबानी साहब 50% के खुद ही ओनर है, इनके तीनों बच्चे हैं आप देख सकते हैं, तीनों भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। यहां पे हितल मेस्वानी, निखिल, ये सब कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। ये अंकल जो मुस्कुरा रहे आप देख सकते हैं यहां पे, ये रविंदर, ये देख रहे हैं बोमन ईरानी, आप देख सकते हैं यहां पे और आप सभी देख रहे हैं ये अल हबीबी, ये सारे जो लोग हैं दोस्तों, ये सारे जो लोग आपने देखे ये कंपनी को वो सारे, ये हमारे सबके पास टाइम नहीं है इसलिए हमने इनको जनरल मीटिंग में इन सबको अपॉइंट किया कि आज के बाद में कंपनी का कारोबार। पर भाई और बहना हमारे सीए इंटर के सिलेबस में हमें बहुत ही सारा चैप्टर जो है या हमारे बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट जो है वो शेयर होल्डर के बारे में। मित्रों हमारे सी एंटर के सिलेबस में हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ज्यादा जानकारी कहां पे सर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? वैसे तो कहने के लिए मैडम बताओ सेक्शन पूरे कितने कंपनीज एक्ट में? बुरा ना बड़ा, थैंक यू देविल से, देविल से बड़ा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितने सेक्शन है पूरे? ये लोग बोलेंगे, अरे बोलो यार, कमाल। वैसे तो कहने के लिए 450 सेक्शन है, पर उन 450 में से इंटर में कितने? Approx 160. सर बाकी का क्या अपने को पढ़ाएंगे कि अधूरा सीए बनाएंगे? नहीं मित्रों, सीए फाइनल में आपको सीए स्वागत है, सीए फाइनल में स्वागत है, होली क्या तुम
अभी इंटर तो कर ले, इमोशनल हो गए हो, फाउंडेशन से फाइनल जा देगी। सी फाइनल में स्वागत है। लड़कियों को काम नहीं करना है, डायरेक्ट चले जाना है इंटरनेट डायरेक्ट पर। बेटा थोड़ा बोलो, जरा काम करे। ये बच्चे देखो हमारे, ये देखो, ये बेटा इंटर में पढ़ोगे ना आप लोग, लड़कियां डायरेक्ट पैनल में जाएगी। सो मित्रा, सीए फाइनल में आपको एक पेपर दिया जाता है, एक मॉड्यूल होता है, उसके आपको पता है सीए फाइनल में सिर्फ 6 पेपर है, उसमें लॉ नहीं है। वो जो 2 पेपर दिए एडिशनल उसमें लॉ है, बाकी सारे सेक्शंस वहां कवर होंगे। हमारा प्राइमरी फोकस जो इस कंपनीज एक्ट का है वो शेयर होल्डर के सेक्शन से रिलेटेड है। मित्रों, हम लोग को यहां पे सेक्शंस पढ़ना है, डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट, ऐसे सारे सेक्शंस के बारे में हमें यहां पे चर्चा करना है। बहुत मजेदार चीजें हैं। सर ये इतना कंपनीज एक्ट क्यों बनाया क्यों? मैम क्या आपने सत्यम के बारे में कुछ बोला है? नहीं। आज मैम आपको बताएगी आखिर क्यों कंपनीज एक्ट आया। What was the reason behind introducing Companies Act for the general public of India? Because Companies Act wanted to protect the interest of all the shareholders. Because अगर मालिक, समझो, सोचो, मालिक भी वही है, मतलब कंपनी का शेयरहोल्डर भी वही है, और अगर मैनेजर भी वही होता तो फ्रॉड नहीं होता। पर अक्सर क्या होता है कि कंपनी के शेयरहोल्डर होते हैं अलग और सामने स्क्रीन पे दिख रहे, देखो मैं ओनर हूं, कंपनी ये संभाल रहे, ये भैया ओनर है, कंपनी ये संभाल रहे। इन लोगों ने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, इसलिए कंपनी एक्ट को लाया गया। कभी कभी अपने ही थाली में छेद करने वाले वो लोग नमक हराम होते हैं। हमने जिनके ऊपर भरोसे से पैसा लगाया, उन्होंने हमारे पैसे का मिस यूज किया। मैडम कुछ ऐसे ऐसे केस स्टडीज है जो हाल ही में बच्चे भी जानते होंगे, शेयर होल्डर का पैसा पूरा बर्बाद हो गया। हाल ही में आपने सभी ने देखा होगा एक कंपनी के शेयर्स के भाव ऐसे आ गए, पेटीएम करो, कर डाला। पेटीएम ने जो पोंगी बनाई ना भाई, बताएंगे कोई पेटीएम का ओनर बैठा ही है? एक एक को तो बता, मुझे बताएगा नहीं, उसकी सिर्फ आंखों में देखना है कैसा फील हो रहा है। एनीबॉडी फ्रॉम पेटीएम ओवर हियर? नोबडी। अब होगा तो अब क्यों बताएगा सर? Exactly. मित्रों आप नहीं जानते हैं पेटीएम के साथ में क्या हुआ। तू छेड़ मत लड़कों को, ये लड़की छेड़ रही है। बोले पेटीएम के ओनर भी तो लड़के ही होंगे ना, हम ऐसे खराब शहर में पैसे नहीं डालते। लड़के ही होंगे। अरे सरासर बेइज्जती कर रहे। अरे हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं भाई, हमें टैलेंट होता है, हमें पता है कौन से शेयर में पैसा लगाया। मैं जरा इसको खोल दो, जरा मेरा लैपटॉप। दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर कंपनीज कोई भी चलती है, चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मालिक और हम जैसे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी होती है। इसलिए भारत सरकार ऐसे ऐसे लॉ बनाता है, चाहे वो कंपनीज एक्ट की बात करे, चाहे आरबीआई के रेगुलेशंस की बात करे। बाय यूजिंग सच पावर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी शेयर होल्डर्स, ताकि शेयर होल्डर्स किसी भी कंपनी में बेझिझक पैसा लगाए। पर दोस्तों आप सभी जानते हैं, जब भी कोई कंपनी की जो डायरेक्टर्स है वो लोग ढंग से काम नहीं करते ना, वो बन जाते हैं पेटीएम और वो बन जाते हैं अडानी, बन जाते सत्यम। ये कंपनीज एक्ट अगर फॉलो कर देना तो कंपनी बन जाती है टाटा। आप लोग सभी जानते हैं, आज तक भी आपने, जब भी मैं रेगुलेशंस की बात करो, जब भी उसूलों की बात करो, जब भी ट्रस्ट की बात करो, तो भारत की सबसे नंबर वन कंपनी कौन? इसमें कोई डाउट है? कोई दूसरी राय है? अरे साहब टाटा टेक्नोलॉजी का जब आईपीओ आया, आप लोगों ने शेयर अप्लाई किया होगा, मिला ने किसी ने, किसी को अप्लाई किया था? किसी ने? देखो कितने लोगों ने अप्लाई किया था। अलॉट भी बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। कहां से आया बेटा? हुबली कर्नाटक। बेटा वो थोड़े कुछ शेयर्स हम में बंटवा दोगे। टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर्स के बारे में इसको भी पता नहीं हुआ किसको ने, टाटा टेक्नोलॉजी करता क्या है, पर जैसे नाम सुना टाटा लोगों ने लगा दिया पैसा। सोचिए होता ट्रस्ट। सर ट्रस्ट कैसे गेन होता है? जब हमारी कंपनी कंपनीज एक्ट से कंप्लायंट होती है,
जब हम लोग ऐसे झूठे काम करेंगे, सोचो पेटीएम का ओनर अगली बार कोई आईपीएल तो कोई पैसे नहीं लगाएगा। टाटा के बारे में ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी शेयर देख लीजिए जो टाटा में जिसने पैसे लगाए, हाल ही में किसी ने टाटा मोटर्स में पैसे लगाए होंगे? अरे बोलो यार। सर ये शेयर मार्केट और कंपनीज दोनों कनेक्टेड होते हैं। अरे कमाल करते हो आप, हाँ कमाल करते हो साहब। मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे कि कैसे कंपनीज के तो शेयर्स बिकते हैं, और वो कंपनी जो अच्छा काम करती है, बोलो भाई, उसी के तो शेयर अच्छे काम होते। तो हर कोई कंपनीज को, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना जरूरी है। रेगुलेशंस कौन बनाता है? कंपनीज एक्ट बनाता है। कौन बनाता है? इधर देखिए मैं आपसे, मैम जरा मैं कुछ समय लेना चाहता हूं, बच्चों को मैं थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता। ज्ञान दे सकते हैं टाटा मोटर्स। सर इसके बारे में क्यों? ये ऐसी शुद्ध कंपनी है जिसके चरित्र पर कोई दाग नहीं। कंपनी से सारे सेक्शन फॉलो कर दी, जो 450 सेक्शन है, हर कोई सेक्शन फॉलो करती है। नाम तो सुनोगा टाटा मोटर्स। दोस्तों आप देख सकते हैं, 5 साल का रिकॉर्ड दिखाता हूं, जरा देखिए चार्ट कहां जा रहा है। ये कहां से शुरुआत होती है? 2020 में लॉकडाउन चल रहा था और कंपनी के बाजार में शेयर सिर्फ 75 रुपीज में बिक रहे थे। दोस्तों क्या से क्या हो गए देखते देखते, आज जरा देखिए। सर क्या इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हो और कंपनी ईमानदार हो ना, तो लोग उसके ऊपर आग ढककर पैसे लगाते हैं। पर कंपनी पेटीएम हो, कंपनी अडानी हो, लोग 10 बार सोचना होता है कि पैसे लगाए नहीं लगाए। आज देखिए, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपके लिए ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे आपको लगता है यार कंपनी का इतना रेट कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि ना कि सिर्फ टाटा मोटर्स अच्छी गाड़ियां बना रही है ईवी में, बल्कि इसके साथ साथ में कंपनी के चरित्र पर कोई दाग नहीं। कभी आज तक कभी किसी ने भी सुना नहीं होगा कि टाटा मोटर्स या टाटा के किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा हो, एनसीएलटी का नोटिस आया हो, आरबीआई का नोटिस आया हो, सेबी का। कुछ गलत काम करना ही नहीं है। रतन टाटा ने बोल दिया मैं सिर्फ ट्रस्ट पर काम करता हूं, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। मैडम आपको पता है, चलो इन सब बच्चों को मैं पूछ लेता हूं, आपके हिसाब से टाटा कंपनी का टोटल ग्रुप का वैल्यूएशन कितना होगा? कहते हैं टाटा का जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसमें बहुत सारी कंपनीज है। टाटा टी, टाटा होटल्स आप जानते हो, टाटा टीसीएस, टाइटन फास्ट ट्रैक, टाटा स्टील। सर तो टाटा की तो बहुत सारी कंपनीज है। टाटा एलेक्सी सुना होगा, टाटा पावर सुना होगा, तनिष्क। दोस्तों टाटा की जितनी, थोड़ा सा इसका आवाज सेट कर भाई, थोड़ा कम कर। टाटा की जितनी भी कंपनीज है मित्रा, उनका सबका ग्रुप का वैल्यूएशन अगर देखते तो भारत में उससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। टाटा की टोटल ग्रुप ऑफ कंपनीज की जब मैं वैल्यूएशन देखता हूं तो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये है, ध्यान से देखिए कितने, 30 लाख करोड़। टाटा के सारे बच्चे अगर एक साथ मिला दे तो 30 लाख करोड़। भारत की ऐसी एकमेव एक्सक्लूसिव कंपनी है। सर आप कंपनी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? बिकॉज मैं आपको कंपनी से एक्ट पढ़ा रहा हूं। इन्हीं कंपनीज को यही सेक्शन फॉलो करना है, और जब सारे सेक्शन फॉलो कर लेती है ना तो इनका वैल्यूएशन बढ़ने लगता है, और जब वो गलत काम करते तो वो बन जाते हैं पेटीएम। ऐसा गिरता है मार्केट नीचे लेटा लेटा के। भाई कैसा किया है हादसा? जिन्होंने सोरो जिस बंदे के बाद में शेयर होंगे, कितना 10,000 करोड़ के शेयर होंगे तो कितने हो गए, 4,000 करोड़ के शेयर हो गए। भाई कैसा होता है? इसीलिए दोस्तों कभी भी कंपनी में निवेश करना है तो कंपनी का क्या अच्छा होना चाहिए? कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब वो सारे सेक्शंस को फॉलो करता है जो कंपनी एक्ट में लिखे हैं, या फिर जो और भी मैं चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा, चाहे वो फॉरेन कंपनीज एक्ट हो, चाहे फेमा की बात हो, जितने भी जो चैप्टर्स दिए हो। तो समझो एक बात, ये सारे चैप्टर्स जो दिए हुए ना, इसके रीडर कौन है? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक मिनट उसके पहले मैम मैं बहुत ज्ञान देना चाहता हूं, एक मिनट। मैं देखता हूं यहां पे पेटीएम शेयर प्राइस नेट गया है क्या? ओके जस्ट चेक इट आउट गाइस, कम ऑन भाई साहब, पढ़ेंगे तो पूरा रियल लाइफ कनेक्ट करके पढ़ेंगे आप। अरे 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 मेरे बच्चा क्या हो गया इसके साथ में, क्या से क्या, अरे अरे सर क्या करूं मैं, देखो ना इसके साथ क्या हो रहा है, कैसा लेट गया।
दोस्तों ये वो सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने धंधे में कोई कंप्लायंस, आरबीआई ने कहा था इज्जत से केवाईसी करना, इनके पास जिन लोगों ने बैंकिंग के ट्रांजैक्शन की आरबीआई ने कहा था नो योर कस्टमर, यानी कि सबके आधार कार्ड बराबर से जमा करवाना। आरबीआई हर बैंक को निर्देश देती कि ऐसे ऐसे काम करो, तो वैसा काम करना चाहिए ना इज्जत से। अगर तुम्हारी मम्मी कुछ बोले तो फॉलो करना चाहिए ना, बैंक की मम्मी कौन है, आरबीआई है। ये लोग होशियारी करने का आपके सामने है, मैं लेकर, अरे आरबीआई के गवर्नेंस की बात करता हूं, ओए होए बड़ा ऑक्स देना मुझे, ए बच्चा आरबीआई के, सर ये क्यों बता रहे हैं? भाई साहब पेटीएम एक कंपनी है, क्यों बता रहा हूं मतलब, फिर कहां बताऊं मैं, अकाउंट्स में बताओगे? ध्यान से देखिए, टू एवरी रेगुलेटेड एंटिटी, एवरी एंटिटी दैट इज सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स, द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। We give sufficient time and sometimes, as he pointed out, sometimes it may even look more than sufficient. दो दिन पहले गवर्नर, ये कौन जानते कौन है? अब ये मत बोलो, आपके नोट पे, हाँ, ये वही आरबीआई की गवर्नर है जिनके द्वारा नोटें छपती है। इन्होंने बह दिया कि हमने इज्जत से टाइम दिया था पेटीएम को, और जो हमारी सुनते नहीं ना, उसकी समझा देगा। कंपनी जैक का भी वैसे ही है, कंपनी जैक की मम्मी कौन है? बैंकों की मम्मी आरबीआई, कंपनी की मम्मी कौन? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन सी मिनिस्ट्री देखती है इसको, कौन सी मिनिस्ट्री? अरे कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। मित्रों, मैं आज आपको यह भी सवाल पूछना चाहूंगा, देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन? सुनाई नहीं दे रहा? अरे वाह, आपको ये भी पता है? मैं सो प्राउड ऑफ है बच्चा, बहुत आगे जाओगे आप। मित्रों, आप सभी जानते हैं निर्मला जी जो है वो इस समय, अगर किसी कंपनी ने कांड की, जैसे बैंकों की ये वजह आते हैं ना, पेटीएम के जैसे कंपनीज है या अडानी जैसी कंपनीज है, रिलायंस जैसी कंपनीज है, ये सारी कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया कि बजाय किसने, MCA अध्यक्ष कौन है उसके? वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी अध्यक्ष है और मिनिस्ट्री ऑफ, जनरली वो दोनों का एक ही रहता है क्योंकि दोनों बहुत लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। पहले इनका सुनते फिर आपको एमसीए पे ले जाते टाइम एंड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स, द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। वी गिव सफिशिएंट टाइम एंड समटाइम्स एज ही पॉइंटेड आउट समटाइम्स इट मे इवन लुक मोर देन सफिशिएंट टाइम एंड वी वुड नॉट लाइक टू एक्ट, यू नो वी आर ए रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटर, we are a responsible supervisor. If everything had been complied, I'm talking about in a general sense, why should we act? I mean, after all, we have a responsibility. We have, it's a responsible institution, RBI. So that's how it is. Samjha po kya bol rahe hai? We have to act like a responsible governor. Agar janta ka paisa koi galat tarike se bank mein laga ke koi bank lut jaye, to kon lutega pehle? जनता लुटेगी, तो दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनता, आम जनता। इसीलिए आगे कल्चर के बड़ा कांड हो इससे पहले उसको बंद कर, यही तो काम होता है गवर्नमेंट का। तो सारे बैंक की रखवाली कौन कर रहा है? इसी तरह से दोस्तों, हम जब अपर अल्टीमेटली पेटीएम इज ऑल्सो कंपनी, तो कंपनीज एक्ट में इज्जत से लिखा है कि एवरी डायरेक्टर मस्ट परफॉर्म, मस्ट टेक ऑल द ड्यू डिलीजेंस। सीए फाइनल में आपको आएगा डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें लिखा होता है कि हमेशा उन्होंने काम कैसे करना चाहिए, अपना समझ के, ड्यू डिलीजेंस से, सावधान रह के, कंपनी के बारे में कुछ गड़बड़ होने। सर ये कंपनीज के बारे में जो डायरेक्टर है और जो शेयर होल्डर्स है, तो डायरेक्टर ने कैसे काम करना चाहिए ये भी कंपनी सेट बोलते हैं। हां जी यही तो, इसलिए तो कंपनी सेट आया है, बार बार लिखा जाता है भाई शेयर होल्डर को बुलाओ, नोटिस दो ताकि वो एजीएम में आए। अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया, चलो एक सवाल पूछता हूं, क्या डिविडेंड डिक्लेयर करना डिविडेंड देना जरूरी है? डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद क्या डिविडेंड देना जरूरी? आपने इधर कुछ महिलाओं ने मना किया, आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई। मतलब कल्चर के रिलायंस ने बोल दिया कि वी हैव डिक्लेयर द डिविडेंड और बाद में फैल जाए वो, नहीं दे। एज पर सेक्शन नंबर 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया और पब्लिक को गुमराह किया और नहीं दिया ना, 2 साल तक जेल में ठोक देंगे
और साथ साथ में जितने भी डायरेक्टर है ना, 1000 रुपए रोजाना फाइन लगाएंगे। इसका मतलब कानून की कोई इज्जत है भाई? हम बोल रहे हैं ना, एक तो डिविडेंड डिक्लेयर करो मत, किसने बोला कि आपको डिक्लेयर करना है, और करा ना तो निभाओ। किसने बोला आपको कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करो? ना, इट्स नॉट कंपल्सरी टू डिक्लेयर डिविडेंड, बट वंस इट इज डिक्लेयर्ड यू आर बाउंड टू पे डिविडेंड्स। ऐसा समझो, ये कंपनी का काम है। और एक बताओ, ये 127 का सेक्शन लगा के किसको प्रोटेक्ट किया उन्होंने? अंडरस्टैंड करो मैम, आज आपको सत्यम का जब केस स्टडी बताएंगे आपको समझेगा व्हाट वाज द रीजन ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूसिंग द कंपनीज एक्ट 2013। हर कोई कंपनी एक्ट के रू रू में, जर्रे जर्रे में शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन की खुशबू आती है। शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करेंगे बे, बिकॉज शेयर होल्डर गरीब आदमी होता है। ध्यान से देखिए, हम जैसे गरीब लोग जो किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के वास्ते भारत सरकार ने बना दी है द कंपनीज एक्ट। आइए आपको दिखाते हैं, सीधा ले जाते हैं आपको। मैम एमसीए की इनको मैं वेबसाइट बताना चाहता हूं। एमसीए सर, कंपनीज एक्ट में एमसीए बताना जरूरी है? अच्छा, तो कहां बताओ फिर? नहीं मुझे बताओ, हमेशा आप कहते हो कि आपने एजीएम होने के 30 दिनों बाद या एजीएम से इतने दिनों बाद ये जमा करवाना चाहिए। कहां जमा करवाओगे भाई? किधर? सबमिट, इट शुड बी सबमिटेड। कहां पे सबमिटेड? आरओसी, और आरओसी इज द बेबी ऑफ एमसीए। इनको फाउंडेशन में आरओसी वगैरह आता है? आता है ना, थोड़ा सा आरओसी में जमा करा दो। आरओसी इसका बेबी होता है, सारे आरओसी अपॉइंट करते हैं, इनके अंडर में काम करते हैं। हमारे कम आज का लेक्चर फंडामेंटल लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ये सारा ज्ञान अगर आपको मिल गया ना बराबर से, तो आपकी समझने की क्षमताएं बढ़ेगी। देखो क्या मैं चीजों पर बिलीव करता हूं, और मैं अंकिता बिलीव करती, वी डोंट बिलीव इन व्हाट, वी बिलीव इन हाउ, वी डील इन व्हाई। अगर आपको ये व्हाट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, व्हाई। ये चीज आई क्यों? बस ये कंपनी एक्ट आया क्यों? इतने बड़ी बड़ी फाइन लगाते आपने देखा? पेटीएम का क्या हुआ? पेटीएम में बर्बाद कौन हुआ? वो जो था ना, उसका क्या है, उसका ओनर का नाम क्या है? विजय शेखर शर्मा। भाई उसको तो थोड़ा सा स्टेक बचा है, हमारे जैसे आम आदमी मर गया उसके चक्कर में, कितना दर्द हुआ होगा। आम आदमी सोचो, 1000 रुपए का शेयर लेके बैठा, 400 रुपए हो गए, पता नहीं कहां जाके रुके गए, हर रोज देखते लोअर सर्किल लगता है उसको। ध्यान से देखिए, अबाउट एमसीए, आय हाय, कहां गए वो? इनके अध्यक्ष किधर मिलेंगे? अबाउट होम पेज पे जाता हूं, इधर देखते अबाउट अस। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, यू नो दिस वन, दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आपको पता है, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आपको 4 ऑप्शन दूंगा, और जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा मेरी ओर से पेटीएम वॉलेट पे 500 रुपए का। सर जीपे करो ना, पेटीएम मत करो, हमारे साथ फोन पे दे देंगे। आप बता दो कौन जवाब देगा? ओके सही, भारत के अंदर कितनी कंपनियां हैं जिस कंपनीज एक्ट को आप पढ़ने जा रहे हो, बताओ उसके अंदर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी या दोनों भी, किसको एप्लीकेबल होगी द कंपनीज एक्ट? मैंने सही कह रहे yes. बताइए जरा क्या बोल रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पब्लिक कंपनी और प्राइवेट ऑल्सो? नहीं, जैसे एक्ट कहता है कंपनीज एक्ट, कंपनीज में सारी कंपनीज इंक्लूडेड है, प्राइवेट भी, पब्लिक भी, ओपीसी भी, स्मॉल भी, प्रॉफिट मेकिंग भी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी, गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट कंपनी भी, निधि कंपनीज, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, क्या बात है। भारत के अंदर मित्रों, ये जो द कंपनीज एक्ट पढ़ने जा रहे हैं ना, मैम कितना वेटेज है द कंपनीज एक्ट का सिलेबस में? कंपनीज एंड एलएलपी दोनों का मिला के 70 मार्क है, बट दोनों भी एमसीए में ही आ रहा है ना। इट कैरीज ह्यूज वेटेज, ओके, पूरा इसी के इर्द गिर्द पूरा सिलेबस है। आप बताएंगे भारत में ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनको द कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ता होगा? आपके पास 4 ऑप्शन, 5 लाख से कम, 5 लाख से 10 लाख के बीच में, 10 लाख से 15 लाख, या 15 लाख से ज्यादा। भारत में कितनी कंपनियां हैं जिनको द कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ता हो, यानी कि सारी कंपनियां कितनी होगी? 5 लाख से कम,
पांच से दस के बीच में, 15 से ज्यादा। अरे बोलो भाई बोलो, ये पढ़ना क्यों है? अगर कंपनी आई नहीं तो कंपनी से क्यों पढ़ा रहे मैम? बंद कर दो यार क्लास यार। अगर दो चार ही कंपनी है पूरे इंडिया में, वो आ जाके यही बोलते रिलायंस है, टाटा है, बस खत्म हो गया। बोले महिंद्रा है, टीसीएस, इंफोसिस, बस खत्म। पांच कंपनी है इंडिया में। ये जिन कंपनीज के नाम आप जानते हैं ना, वो इतनी सी भी नहीं है। इतनी बढ़िया कंपनी है, इतनी एसपीसी भी एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है। हमको भी पढ़ना पड़ता है और हम नहीं पढ़ते ना बजाते हैं, समझना है। अरे गाइस कम ऑन, मेरे जैसे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, न जाने कितनी कंपनीज होगी, तो बताओ कितनी होगी? 15 लाख से ज्यादा। आपने गलत बोला, एंड द आंसर इज 10 to 15 lakhs। दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भारत के अंदर कंपनीज कितनी। वर्चुअल किड्स जरा उनका जरा चेक करो क्या क्या बोल रहे हैं आंसर। मैं एक बार बता देता हूं आंसर उनको। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज इन इंडिया कितना है? अरे आप सही थे, मतलब आप भी 15 ज्यादा बोल रहे थे। मैंने इनको पहले बताया था, आप आने के पहले। वेरी गुड, सही कह रहे थे आप, सही कह रहे थे। एंड द टोटल नंबर ऑफ कंपनीज देखो कितनी सारी, वो क्या लिखा है वहां पे जरा देखिए। विथ ओवर 96.800 बीइंग फॉर्म्ड दिस, हर साल 1-1 लाख कंपनी बन रही भाई। यानी कि जो मेरा नॉलेज था 1-2 साल पहले पढ़ा हुआ, वो देखो ना 1.6 से 16 लाख कंपनीज हो गई। 1 लाख कंपनी तो अभी बढ़ गई। यानी कि आप सोचने की बात है, कितनी कंपनीज को कंपनी एक्ट पढ़ना जरूरी है। आप सोचो हर साल, मैम आपको पता है, मैं इनको ये दिखा सकता हूं कि एक साल में कितनी कंपनियां बनती है। आपको देखना है, डू यू वांट टू सी हाउ मेनी कंपनीज आर गेटिंग इंट्रोड्यूस एवरी ईयर। मैं आपको डेटा एंड रिपोर्ट्स में लेके जाता हूं, इधर मैं आपको रिपोर्ट में लेके जाता हूं कि कितनी कंपनियां, कुछ तो गड़बड़ हो गया आवाज। एक हर साल में कितनी कंपनियां आती है, मैं आपको दिखा सकता हूं यहां पे कि कितनी कंपनियां एक एक साल में, वो कंपनी का पूरा डेटा आता है कि एक साल में कितनी कंपनीज इंट्रोड्यूस हो रही है एक एक साल में। तो यहां पे कहीं आया था ना, आई शो इट टू यू, वेट करो मैं आपको दिखाता हूं। ए पे आता है किधर, तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज यहां पे रिपोर्ट्स में आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके आई शो इट टू यू, वेट करना थोड़ा सा, ठीक है मैं आपको दिखाता हूं। पर दोस्तों मेरा एक सवाल है आपसे, आप बताएंगे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलो ये 16 लाख कंपनी है, क्या आप बता सकते हो इंडिया की सबसे बड़ी 5 कंपनियां कौन सी है एज पर द मार्केट कैपिटल वैल्यूएशन? 5 कंपनी के नाम बोला, हम आपको 500 रुपए का इनाम अभी देंगे तुरंत। 5 कंपनियां सीक्वेंस बताना, 1, 2, 3, 4, 5। आप बता सकते हैं चिंडी, कहां से आए आप? इधर आओ जल्दी से, आने दो आने दो। कोई लड़का बताएगा इसके बारे में? 5 कंपनीज, आई एम नॉट श्योर वो बता पाई नहीं, सीक्वेंस में बताया नहीं, मतलब बता सकते ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। टॉप 5 कंपनीज भाई, 13 लाख 16 लाख जो कंपनी है ठीक है, पर उसमें से बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी है 5? द फर्स्ट टीसीएस, रिलायंस। चलो ठीक है, एक चांस देंगे। नंबर 1 पे रिलायंस, दूसरा टीसीएस, हाँ इंफोसिस, हाँ हाँ, टू मोर, कम ऑन यू कैन डू इट, एचडीएफसी। ओके चलो कोई बात नहीं है। बिहार से आई आप? बिहार में कहां से आई हो? आरा। एक बार जोरदार तालियां, 4 तो सही बताई उन्होंने। आप खड़े रहना है, कोई लड़का बताएगा 5 कंपनीज, यू कैन आंसर, यू कैन, बेटा इधर आ जाओ आप, आने दो, आ जा बेटा, आ जा बेटा, ऐसा ना भाई, आ जा बेटा, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना नॉलेज है हमारे बच्चों में। 5 कंपनीज कौन सी बड़ी? सर रिलायंस, हाँ, नंबर 1 TCS, 2 इंफोसिस, HDFC और SBI।
आईसीआईसीआई या फिर एंड आईसीआईसीआई राइट, ये पांच कंपनीज भारत में है। सबसे ऊपर इंफोसिस है, सबसे ऊपर रिलायंस है जो 20 लाख करोड़ अभी पार किया है, बाद में टीसीएस है जो आराम से 15 लाख करोड़ चल रही है, तीसरा है एचडीएफसी 10 लाख करोड़ के आसपास, उसके बाद में चौथा एक इंफोसिस है और आईसीआईसीआई। ये भारत की सर कैसे डिसाइड होता है कौन कितने बड़े है? आइए इधर देखते हैं, ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, देख लो बेटा आप भी देख लो, देखो मार्केट कैप लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास है, टीसीएस 15 लाख करोड़ है, एचडीएफसी 10 लाख करोड़ है, आईसीआईसीआई 7 लाख करोड़ और इंफोसिस 6 लाख करोड़ है, बाकी आप देख सकते हो ये आसपास में है, बट आपका आंसर इतना भी खराब नहीं था बिकॉज लगभग वो आ ही गया था, ठीक है ना। तो ये सारी कंपनीज है दोस्तों आपके सामने, ये तो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, पर इंडिया में इतनी ही कंपनीज नहीं है जिसको कंपनीज एक्ट लगता है। आपको लगता है कंपनीज एक्ट सिर्फ इनको एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है, बताओ बेटा कंपनीज एक्ट किसको एप्लीकेबल है? All the companies incorporated inside the India. चलो ठीक, सारी कंपनीज हो गई, मतलब लगभग 16 लाख के आसपास। हाँ। तो मतलब दायरा तो बहुत बड़ा है। हाँ। तो हम लोग आप कहाँ से हो? सिरसा हरियाणा। हरियाणा से आप बताओ हम लोग क्यों पढ़ रहे कंपनीज एक्ट, मतलब हम लोग तो सीए है ना। हुँ. तो कितनी कंपनीज और कंपनीज को क्या लॉ है, व्हाई आर वी लर्निंग अबाउट इट? चलो मान लो कंपनीज को ये सब है, ये रिलायंस को ये पूरा कंपनीज का सारे 400 सेक्शन लगेंगे, इनफोसिस को लगेंगे, टीसीएस को सारे सेक्शन लगेंगे, एसपीसी को भी लगेंगे, छोटे बड़े सारे कंपनीज को लगेंगे, पर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो सीए है ना सर। कंपनीज को मतलब हम सारा काम कंपनीज का हम ही संभालते हैं, ऑडिट हम करेंगे, अकाउंट्स उनके हम करेंगे, राइट है, और फाइनेंशियल जो डिसीजन मेकिंग होती है वो हम उसमें हेल्प करते हैं, और टैक्स मेकिंग में हम लोग तो कंपनीज के हम लोग काम करते हैं, पर हमें बहुत बार स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना पड़ता है। वी हैव टू चेक द स्टैट्यूट्स, वी हैव टू चेक whether कंपनीज कंप्लाइड विद ऑल द सेक्शंस, और हम ऑडिटर को चेक करना पड़ता है कि कंपनी से कोई सेक्शन का कहीं वायोलेशन तो नहीं हो रहा है। हमारे क्लाइंट को नहीं पता होता कि सेक्शंस क्या चल रहे हैं, पता है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वी हैव टू मेक श्योर कंपनीज कोई गलत काम, क्योंकि क्लाइंट को हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो धंधा करते हैं उनकी नॉलेज किसमें, धंधा कैसे करते हैं उसमें, दे डोंट नो मच अबाउट लॉ। तो हम जैसे सीए उनके लिए क्या काम करते हैं, भाई साहब ये गलत मत, ये काम मत करना, मतलब देखो बजा देंगे। हम सीए लोग का काम होता है, सीएस का काम होता है, प्राइमरली इंडिया में बहुत सारा मेजर काम करते हैं वो सीएस होते हैं, बट कंपनीज का हम लोग पूरा संभालते हैं, इसलिए हमारे पास इसका भी नॉलेज होना जरूरी है। एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट? कल्चर के किसी ने बोला कि मुझे कंपनी मैम जरा कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में कोई सेक्शन है बताना, जरा कोई सेक्शन नंबर? सेक्शन नंबर 7 है ये कंपनीज इनकॉर्पोरेशन के बारे में। तो कभी कोई कंपनी अगर कहती है आपसे, भैया आप सीए हो गए, आप बताओ हमें कि ये कंपनी हमें इनकॉर्पोरेट करना तो कैसे करें, तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेक्शन 7 के बारे में पता होना चाहिए। चलो अभी हाल ही में आप जानते हैं दो कंपनी मर्ज भी होती है, मर्ज होते और कभी कभी एक्विजिशन होता है, आप सभी जानते हैं रिलायंस और हॉटस्टार के बारे में, कितने लोग जानते हैं क्या डील है, रिलायंस ने किसको क्या एक्वायर किया, कोई जानता है इसके बारे में? आप में से कोई जानता है रिलायंस कंपनी ने हाल ही में कौन से क्या क्या एक्विजिशन क्या है वो? आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, इधर कोई जानता है? आप जानते हैं बेटा, आप आ जाइए इधर, आ जाओ हवेली पे, जरा थोड़ा सा बताओ क्या डील है, क्या है जरा रिपोर्ट बताइए। रिलायंस कंपनी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, रिलायंस का क्या खुद का भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है? हाँ जी जी। ओटीटी क्या होता है बेटा ये जरा पब्लिक को पता, किसको पता ही नहीं नेटफ्लिक्स क्या होता, आपको पता ही होगा राइट? अरे नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम वो सब जानते हैं ना। हाँ उल्लू ऑल्ट बालाजी इतने शर्मा क्यों रहे सर? तो रिलायंस मैंने ऑल्ट बालाजी बोला आप शर्मा है क्यों? डिज्नी प्लस नहीं नहीं मुझे बताओ सर, पता नहीं है। नहीं 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 हाँ मतलब देखता नहीं हो ठीक है, पर तुम हंसे क्यों? सर हंस रहे तो हम भी हंस दिए सर, कभी तो एक एपिसोड देखा है एक जिसको पता नहीं आज जाके गूगल पे सर्च मत करिए कि सब क्या आता है, और कुछ नहीं आता है, वहां पे धार्मिक सांस्कृतिक प्रोग्राम आते हैं। बोलो राधे राधे हरिओम। राधे राधे। हाँ बोला बोला। हाँ जी सर, तो रिलायंस ने डिज्नी प्लस को खरीद लिया है, ठीक है, उन्हें ताकि वो अपना दायरा बढ़ा दे। आपने आप सर ये क्यों बता रहे हो? बिकॉज बेटा आप सीईओ, आपको पूछेगा आपके कंपनी पूछेगी आप मेरे सीईओ बताओ मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता हूं, कैसे खरीदो? पैसों से? बात सिर्फ पैसों की नहीं होती मित्रा, जब भी एक कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर करे तो कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 230 एंड 232 को फॉलो करना पड़ता है।
एनसीएलटी के पास जाना पड़ता है, हे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हां इजाजत दे दो कि मैं इसको एक्वायर कर सकता हूं कि नहीं। अपने पास पैसे इसका मतलब नहीं किसको उठा लेंगे। जी और सोनी चैनल है दोनों को बेटा साथ में आना था बहुत दिनों से। जी भी पॉपुलर है, सोनी भी, दोनों को साथ में आना था। कई साल तक एनसीएलटी ने लटकाई है, नहीं हो सकता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इधर आप देखिए, इधर मैं क्या क्या बता रहा हूं। सर ये क्यों बता रहे हैं आप? क्योंकि आपको पता होना चाहिए द कंपनीज एक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट ऐसे नहीं होता कि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। आप ये डे टू डे अफेयर में करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन जो है, इट के नॉट हैपन अनलेस एंड अंटिल कंपनीज एक्ट के कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया। इतनी इज्जत है भाई, इधर देखो, इधर रिलायंस जो ओटीटी है उसका लगभग 7% मार्केट शेयर है और डिज्नी का है 17-18%। 17-18% वालों क्यों खरीद रहे हो? बिकॉज वहां पे आप जानते हो क्रिकेट के लिए बहुत सारे मैचेस पहले हॉटस्टार पे ही चलती थी। अरे बोलो यार। और आप जानते हो मोटा भाई को 2 नंबर 3 नंबर कुछ पसंद नहीं है, मोटा भाई को 1 नंबर पसंद है। कौन मोटा भाई? अंबानी। हाँ इधर देखिए जरा, उसने क्या कहा? देखो ये ओटीटी का मार्केट शेयर हो गया, ओटीटी मार्केट शेयर इन इंडिया, ये देख लीजिए आप सबसे ऊपर कौन है। हाँ जरा देख लीजिए, हमने दिखाया था आपको इधर के, देखो ये है 12%। कौन है? नेटफ्लिक्स है। और सबसे ज्यादा ऊपर कोई लग रहा है, ये तो थोड़ा सा पुराना डेटा है पर कोई बात नहीं है, पर सबसे ऊपर कौन दिख रहा है यहाँ पे? सबसे ऊपर आपको हॉटस्टार दिख रहा है, प्राइम दिख रहा है, और यहाँ पे जो चल रहा है ना वो बहुत ही कम अपना वो है, क्या नाम उसका, नेटफ्लिक्स बहुत पीछे, क्या बोलते हैं अपना जियो का ओटीटी सबसे कम चल रहा है। ओके तो अब क्या होना, मोटा भाई को समझा रहे, काम करते ना, अपने को नंबर वन बनने का है ना, खुद तो नंबर वन बन नहीं सकते, एक काम करते हैं। जियो सिनेमा केवल 6% पे चल रहा है, बराबर चल रहा है। हाँ। अभी हाल ही में डिज्नी हॉटस्टार थोड़ा सा कम हुआ, ये पुराना डेटा है, कोई बात नहीं, क्वार्टर टू का डेटा है, बट एनीवेज ये थोड़ा सा क्वार्टर टू यानी कि एक साल पुराना डेटा है, पर एनीवेज अब वो क्या करेगा, हॉटस्टार वो खरीद लेगा और सारा का सारा स्पोर्ट्स अपने पे चलवाएगा। आईपीएल मेरे पास, वर्ल्ड कप मेरे पास, तुम्हें कुछ भी देखना है तो, यानी कि एवरीबॉडी विल हैव टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। और पता है मोटा भाई ये करके हो जाएगा नंबर वन, और ये सब कुछ करने के लिए दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम, देखो नॉट फ्रॉम एनसीएलटी, फॉर किसके लिए? रिलायंस एंड डिज्नी। देखो ये जो मर्जर है ना बच्चों, ऐसे ही नहीं, एनसीएलटी क्या लिख रहा है, एनसीएलटी ने बोल दिया कि आप तुम इसको एक्वायर कर सकते हो। कभी भी याद रखना एनसीएलटी की परमिशन की जरूरत होती है। देखो ये न्यूज देख लीजिए आप, हम लोग क्या करते हैं, रिलायंस ओटीटी, जियो सिनेमा लिख दू, जियो सिनेमा एंड डिज्नी डील, ये देख लीजिए क्या लिखा है। सर ये तो बिजनेस की बात है, इसमें कंपनी जेट कहां से गए? मैं वही तो बोल रहा हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सेक्शन नंबर 232। एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट? यानी आप इसको थ्योरी समझोगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको ये पता होना चाहिए जो मैं पढ़ रहा हूं ना, इसकी जरूरत है इंडस्ट्री में, उसके बगैर नहीं चलेगा कुछ। ये बोलेगा मैं पैसे से खरीद लूंगा, पैसे बाद में, पहले एनसीएलटी से पूछना पड़ेगा, भाई खरीद सकता हूं ना। ये देखो जी सोनी मर्जर एनसीएलटी, ये देखो क्या लिखा है, अप्रूव्ड बाय कौन लिखा है? क्यों एनसीएलटी को क्यों पूछूं मैं? अरे भाई आप मर्जर ही नहीं कर सकते हो, डी मर्जर नहीं कर सकते हो, कोई मुझे बताएगा हाल ही का सबसे बेहतरीन वाला डी मर्जर कौन सा हुआ है? अभी हाल ही में कौन सी कंपनी डी मर्ज हुई? आईटीसी। ओके और दूसरा रिलायंस जियो, जियो फाइनेंस, अरे जियो फाइनेंस हुआ ना, नहीं हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर से एक बच्चा बाहर निकला है जियो फाइनेंस। ये डीमर्जर भी ऐसे नहीं होते, बस हो गया, इसके लिए किसकी परमिशन लगती है? इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये इंटरेस्ट जगाओ, ये सब समझना चाहिए। अच्छा रियल लाइफ में काम क्या चल रहा है? मैम आज आपको सिखाएगी, मैम आप प्लीज बताए बच्चों को कि आखिर व्हाट वाज द रीजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। और आप सभी लोग यहां पे आए,
जल्दी से इनके तीनों के लिए ताली बजा दो यार। क्या बात, ये आई बिहार से मैडम, ये बिहार से आई है, ये बच्चा आया हरियाणा, तो आपका कैसा है बेटा? बिहार, बिहार से है। बेटा कैसा महसूस कर रहे हैं क्लास में? सर बहुत अच्छा है। बेटा आप कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? आपसे मिलना था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ए मेरा बच्चा हैप्पी वैलेंटाइन डे बेटा, बहुत आगे बिलेटेड है मुन्ना, बेटा बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी ऑफ सत्यम। यस हाँ हाँ राइट ट्रैक। उसके बारे में देखो, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी क्या कंपनीज एक्ट हुआ करती थी? कौन सी थी? बट जब 1956 की एक्ट जो बनाई थी वो इस तरह से बनाई थी कि चलो लोग सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े स्कैम्स और स्कैंडल्स आएंगे। बट जब सहारा ग्रुप में इतना बड़ा स्कैम हुआ, सत्यम का ये स्कैम हुआ, उसके बाद फिर लगने लग गया कि नहीं। देखो कोई स्कैम जब होता है, जब कांड जब होता है, भले ही जनता का पैसा डूबता है, बट सबसे पहले जनता जो है मैनेजमेंट को नहीं, पहले गवर्नमेंट को गाली देती है कि सरकार ने ऐसा कैसा कानून बनाया, सरकार ने ऐसे कैसे ध्यान नहीं रखा, सरकार ने ऐसे कैसे नोटिसेस इशू नहीं किए। तो पहले सरकार है फिर मैनेजमेंट है, बट जबकि रियलिटी आप लोग जानते हो कि कांड करने वाले लोग तो मैनेजमेंट वाले हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट बिकेम वेरी कॉशियस, स्पेशली आफ्टर द केस ऑफ सत्यम। खैर सत्यम का जो नाम है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सत्य, जिसको हम कहते हैं सच, ट्रूथ। बट इस कंपनी में जो भी कुछ हुआ, आई थिंक सब कुछ हुआ एक्सेप्ट फॉर द ट्रूथ। तो इसी स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने सोचा अब 1956 एक्ट से हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, नाउ इट्स हाई टाइम एंड वी शुड चेंज आवर कॉर्पोरेट लॉज। और उसी के बाद हमारी मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि कंपनी से रिलेटेड नया कानून आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी के बाद आया कंपनीज एक्ट 2013। यही सत्यम के स्कैम के बारे में हम थोड़ा सा 5 मिनट डालेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द सब्जेक्ट। छोटा सा वीडियो है, उसी वीडियो के साथ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूं। सत्यम सत्यम सत्यम। नमस्कार, आज हम सत्यम स्कैम के बारे में बात करेंगे। 1987 में बी रामालिंगा राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी। सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले बी रामालिंगा राजू का कॉटन मिल का बिजनेस था। 1991-92 में सत्यम कंप्यूटर BSE पर लिस्ट हो गई और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। सत्यम कंप्यूटर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक थी, और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और बी रामालिंगा राजू को कई अवार्ड्स मिले थे। सत्यम अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर थी, पर रियल इस्टेट में चल रही बूम की वजह से राजू का ध्यान रियल इस्टेट की तरफ जाने लगा। हैदराबाद में भी रियल इस्टेट के रेट्स तेजी से बढ़ रहे थे, तो राजू ने तेजी से हैदराबाद और अलग अलग जगह पर लैंड प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया। मेटस इंफ्रा, जिसे राजू ने 1988 में शुरू किया था, और मेटस प्रॉपर्टीज, इन कंपनीज के नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर और अपने नाम पर राजू प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। राजू बहुत ही अग्रेसिवली प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। जब राजू को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तब राजू सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने लगा। देखो यहां से अब शुरू हुआ पूरे कांड। यहां पे क्या हुआ, पैसों की जरूरत थी,
तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे मैनिपुलेट किया देखो जरा। फिर ही करने लगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी को एक्चुअल में 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राजू 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था और ऐसा करके ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। सत्यम कंप्यूटर की लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते सत्यम की शेयर प्राइस बढ़ने लगी। देखो ऑब्वियसली बात है आपका सेल ज्यादा है मतलब आपका प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है तो लोगों को ये दिखेगा कंपनी का ग्रोथ जो है बहुत अच्छा है और ऑटोमेटिकली उसी के शेयर की डिमांड बढ़ने लग जाएगी तो शेयर मार्केट पे भी वही इंपैक्ट आने लग गया और शेयर प्राइसेस भी कंपनी के बहुत तेजी से बढ़ने लग गए। इनफैक्ट सत्यम वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज द फोर्थ लार्जेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी दैट टाइम, है ना, तो वो एक वाइब बन गया। शेयर प्राइस पर राजू और राजू का भाई भी रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे और अपने बाकी शेयर्स कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उन पर लोन लेने लगे और उन पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राजू ने करीब 365 कंपनीज खोली थी। राजू अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने खरीदने लगा बैंक स्टेटमेंट्स दिखाकर। ये देखो 7500 ये देखो की सेल्स आप देखो ये एक्चुअल प्रॉफिट है और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बताया है दिस इज द प्रॉफिट दैट वी आर शोइंग, मतलब बेसिकली ये दोनों का जो डिफरेंस है इज बेसिकली द फेक प्रॉफिट, जो सेल्स कभी हुआ नहीं था, जो प्रॉफिट कंपनी ने कभी कमाया नहीं था, ऐसा आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता रहे हो एटसेट्रा। और सत्यम के एक्चुअल सेल्स और प्रॉफिट के गैप को आसानी से भर दिया जाएगा। सत्यम कंप्यूटर का ज्यादा सेल्स दिखाने के लिए राजू फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाने लगा। राजू ने 7500 फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाई थी। फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाकर सेल्स हो गया ये तो दिखा दिया, बट वेयर इज द प्रॉफिट, उस फेक सेल से मिला हुआ प्रॉफिट कहाँ है? तो उसके लिए राजू ने झूठे बैंक स्टेटमेंट्स दिखाकर, आप देखो अगर कंपनी का सेल हुआ है मतलब कैश बना है, आज आप कुछ प्रोडक्ट अगर बेचते हो तो क्या आपका कैश बनता है बेचने के बाद? तो अगर कैश मिला है तो कंपनी के पास ये भी तो दिखना चाहिए ना कि अगर गुड्स बेचे है तो गुड्स बेच के कुछ तो इन आया होगा ना, बट ये कैश कभी आया ही नहीं है क्योंकि ये सेल्स कभी रियल सेल्स थे ही नहीं, तो ये बताते गए हमने पैसा लिया, गुड्स बेचकर पैसा लिया और यही पैसे हम एफडी में डालते गए। तो ऐसे करके एक साइड पे उन्होंने क्या किया, अपना सेल्स बढ़ाया और दूसरे साइड पे उन्होंने ये बताया कि कंपनी एफडी पे एफडी बनाती जा रही है, जबकि एफडी भी रियल नहीं थे और सेल्स भी रियल नहीं था। वो पैसा बैंक में है ऐसा दिखा दिया, यानी बहुत सारा ऐसा कैश रिजर्व दिखाया जो एक्चुअल में था ही नहीं। कई सालों तक राजू इसी तरह लगातार सेल्स प्रॉफिट्स और बाकी फिगर्स को बढ़ाकर दिखाता रहा। कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिखाकर राजू इन्वेस्टर्स को कंपनी की ओर अट्रैक्ट करता रहा, जिससे सत्यम कंप्यूटर की शेयर प्राइस बढ़ती चली गई और सत्यम के प्रमोटर्स लगातार ऊंची प्राइसेस पर अपने शेयर्स बेचते रहे। अच्छा प्रमोटर शेयर्स बेचना क्या अच्छी बात है या गलत बात है? वाई देखो जब मैनेजमेंट का खुद का स्टेक रहता है कंपनी में, डोंट यू थिंक ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है इस कंपनी के ऊपर? सत्यम कंप्यूटर बीएसई पर रिलायंस जैसी जो कंपनी है उसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर कितना स्टेक है? 50% सत्यम कंप्यूटर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक थी और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और भी रामालिंगा राजू को कई अवार्ड्स मिले थे। सत्यम अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर था, रियल एस्टेट में चल रही बूम की वजह से राजू का ध्यान रियल एस्टेट की तरफ जाने लगा। हैदराबाद में भी रियल एस्टेट के रेट्स तेजी से बढ़ रहे थे तो राजू ने तेजी से हैदराबाद और अलग अलग जगह पर लैंड प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया। मेटस इन्फ्रा जिसे राजू ने 1988 में शुरू किया था और मेटस प्रॉपर्टीज इन कंपनीज के नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर और अपने नाम पर राजू प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। राजू बहुत ही अग्रेसिवली प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। जब राजू को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ी धीरे धीरे करके वो अपना स्टेक बेचते गए और 2008 तक मैनिपुलेट करने लगा। स्टेक उनका बचा था, यहां से अब शुरू हुआ पूरे कांड में प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग। क्या हुआ, पैसों की जरूरत थी, उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे मैनिपुलेट किया देखो जरा। आ गई थी उन पैसों का उपयोग उन्होंने फॉर एग्जांपल और राजू ने कंपनी को एक्चुअल में 60 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ाया गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राजू 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था। 2000 करके ये दिखाने की कोशिश करने लगा रियल एस्टेट सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है यानी मंदी आई। सत्यम कंप्यूटर की लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रांग फाइनेंशियल्स के चेक फिगर सत्यम की शेयर प्राइस बढ़ाने का प्लान। देखो ऑब्वियसली बात है आपका सेल्स ज्यादा है मतलब आपका प्रॉफिट ज्यादा है, नया प्लान बनाया, प्रॉफिट ज्यादा है तो लोगों को ये दिखेगा कंपनी का ग्रोथ। सत्यम कंप्यूटर एक दो और भी कोशिशें की कि माइटस को हम टेक ओवर करके ये जो गैप है
इसको मिटा दे, बट अनफॉर्चुनेटली शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया. एंड देन वन फाइन डे ही हैड टू कन्फेस के भाई मैंने बहुत बड़ा कांड किया है. एंड व्हेन द न्यूज अबाउट इट, वॉइस डबल हो रहा है, वॉइस डबल, एक मिनट ठीक कर दो वॉइस, चेक अभी चेक करो ना, ओके ना, ओके गाइस ना, ओके ना, ओके डबल आ रहा है, सिंक चेक, ओके वॉइस लैग समझ नहीं आ रहा, ओके ना, ओके ना, ओके ना, ओके ठीक है डन, यस यस इट्स डन, इट्स डन, ओके. तो इवेंचुअली एंड में जब रामलिंगा को समझ में आ गया कि अब ये जो मैंने गैप क्रिएट किया है अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, वो खुद गए स्टॉक एक्सचेंज के पास और उन्होंने अपना पूरा कांड जो है कन्फेस किया थ्रू अ लेटर. और जैसे ये न्यूज बाहर आई आप देखोगे ये जो शेयर प्राइसेस में ड्रॉप आया, गिरावट हुई जिसके दबाव ऑलमोस्ट 55% प्राइस की जो है वो गिरावट आई. तो बेसिकली ये सारी चीजें हुई, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो किसको हुआ है, शेयर होल्डर्स, जनता को. और जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि गवर्नमेंट कहां था, व्हाट अबाउट द एक्ट, व्हाट अबाउट द रूल्स, व्हाट अबाउट द रेगुलेशंस, व्हाट अबाउट अस, आर मनी. और इसीलिए तब हमने सोचा कि अब 1956 एक्ट से बात नहीं बनने वाली है, और उसी के बाद आया हमारा 2013 वाला कंपनीज एक्ट. It is the responsibility of government to protect the interest of all the customers and the investors. Okay, is the investors ke protection ke liye the government bar bar apne laws lati rehti, amendments lati rehti hai. Companies Act mein bhi bar bar aapko amendment dikhte rahenge. Aur ye sab ko aapko ek concept hota hai prospectus. Ye kabhi bhi koi company IPO mein prospectus aata hai hone ka? Ji, chapter number 3 prospectus and allotment. Prospectus mein likha hota hai ki prospectus mein har koi company ne pukta jankari available karwana chahiye before they go for IPO. Yani public ko yada bana ke paise nahi le sakte. आप एक कंपनी से एक्ट में लिखा अगर पब्लिक से पैसा मांग रहे हो ना तो जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग ऑल द डिटेल्स इन इन व्हाट द प्रोस्पेक्टस. नो कंपनी कैन गो फॉर आईपीओ अनलेस एंड अंटिल दे पब्लिश एवरीथिंग इन व्हाट द प्रोस्पेक्टस. ठीक सर, सेक्शन उसके लिए बना, हर कोई सेक्शन एक ही चीज मांगता है, व्हाट एंड व्हाई. आपको व्हाई समझ में आया आज? आप आज के बाद में कोई भी सेक्शन पढ़ोगे ना आपको समझ जाएगा इतनी फाइन क्यों लगा रहे, ये इतना क्यों भोग रहा है, क्यों भोग रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू एंड मी. ये जितने भी लोग हमने चुन चुन के डायरेक्टर बनाया ना, ये लोग क्या करते हैं उस पोजीशन का मिसयूज करके कंपनी को लूटते हैं और बर्बाद हम लोग होते हैं. अगर सोचिए मालिक भी वही है, जैसे आपके घर पे मालिक भी वही है, आपके पापा ओनर है और मैनेज भी आप करते हैं, तो आप आपकी कंपनी के साथ में क्या गलत करोगे? वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, पर यहां पर प्रॉब्लम है ओनर अलग बैठा है, डायरेक्टर अलग है, मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, डायरेक्टर. वहां पे देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये लोग हमें चुना लगा है, इसलिए हर कोई सेक्शन इसलिए है. आई होप यू आर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि व्हाई दिस कंपनीज एक्ट वाज सो इंपॉर्टेंट. इसलिए आज के बाद में जितना भी कंपनीज एक्ट आया ना, 1956 के कंपनीज एक्ट में और 2013 में सबसे बड़ी बात यह हुई कि 2013 में फाइन और पनिशमेंट के लेवल को बहुत बढ़ा दिया गया, हर चीज, ताकि कोई गलत काम करने का साहस ना कर सके, हर चीज को बढ़ा दिया गया. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैम? आज एक काम करते, आप इतना बता दीजिए थोड़ा सा बुक्स के बारे में, आपने कुछ बताया था मैम? नहीं. जरा मुझे बता दो ये बुक्स में, थोड़ा सा मैं सवाल पूछूंगा, जरा बच्चों को बताओ कि इतना सारा जो सिलेबस होगा तो उसको समेटने के लिए क्या आपने कुछ चार्ट बुक बनाया? जी सर. एक बार बताइए थोड़ा, आवाज कंट्रोल कर, माइक कम. तो ये चार्ट बुक है सर, इसमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 चार्ट्स में आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस जो है वो हो जाएगा कवर. यानी कि आप जो इतना बुक में पढ़ोगे, राइट, ये जो इतना पढ़ोगे, ये 1 और ये 2 और ये 3, लगभग 600 पेजेस होंगे, तो क्या उसको इसमें समेट लिया जाएगा? जी सर. यानी कि ये हो गए आपके 600 पेजेस, पर जब क्लासेस हो जाएगी तो आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ोगे काम हो गया. और साथ साथ में मैम के इसको पढ़ने के लिए कोई YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स सर, यस, सारे के सारे डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर्स जो है वो YouTube पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसी से आप ये रिवाइज कर सकते हो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बस ये YouTube का वीडियो लगाने का काम खत्म हो गया. यानी कि क्लासेस भले ही आपकी 200 घंटे की होगी, पर आपका रिवीजन लेक्चर केवल 20 घंटे का होगा. यानी कि क्लासेस होने के बाद में आपने बोला है कितने घंटे पे रिवीजन होगा, इन 20 आवर्स यू आर एबल टू रिवाइज एवरीथिंग बिकॉज आपको सारे रेडीमेड चार्ट मिलेंगे. मैम कोई ऐसी हैंड रिटन के बारे में कुछ बताएंगे? जी, हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं. जरा बता दीजिए उसके बारे में कुछ. एक मैम ने बहुत ही अच्छी चीज अच्छी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम हैंड रिटन नोट्स, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार है, एक नंबर. यानी कि आपके सामने ये जो दिख रहा है ना, इधर देखो मेरे पास, ये जो है ये लार्ज लार्ज, ओके, एकदम लार्ज किताब है, लार्ज. इसी को ही हम लोग क्लास में हमेशा क्या करते हैं, समरी बनाते हैं. यानी सेक्शन हुआ कि उसकी समरी बनाते, ताकि आप घर पे जाके इतना नाम पढ़े
वो समरी से पढ़ ले ताकि आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। ये आपके लिए आपके ही हाथों से लिखी हुई समरी नोट क्या बच्चों को ही मिलेगी? जी सर, सॉफ्ट कॉपी। मतलब बच्चों के दिए जाइए? यस सर। क्या बात, इधर देख रहे हो आप कैसी लिखी है, यानी कि आपको फील होगा ये आपके हैंड राइटिंग में बनी हुई है। ये बिल्कुल ऐसी जो क्लास में मैम जितना भी चार्ट वर्ड बनाती है, जो क्या होता है ना सेक्शन होता है चार पन्नों का, मैम उसको क्या करती है एक पन्ने में समेट लेती है, यानी कि उसमें सब चीजें भी आ जाती है और एकदम आपको ऐसा फील नहीं होता ये बुक जब पढ़ते थोड़ा सा बोर होता है, ये चार्ट में आपको फटाफट समझ में आता है और आपको ये भी लगता है कि आपके हाथों से लिखी हुई। एवरीवन, सो इट इज वेरी, जैसे क्लास हो गया आज तो मैम जल्दी से सर्कुलेट कर देना इसको जी, ताकि बच्चे क्या करे आज जैसे एक सेक्शन पढ़ा है तो उसको रिवाइज, मान लो कि पांच पन्ने का सेक्शन है, यहाँ पे जाके एक पन्ने में खत्म आपका रिविजन और। एवरीबडी गेटिंग दिस? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे पूरे बड़े लॉ को एक संक्षिप्त फॉर्म में समराइज करके आपको दे देंगे, ताकि इसके अंदर लॉ को रिवाइज करना विल बी वेरी इजी। बट सबसे पहले मेन बुक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझो आप लोगों में से कितने लोगों ने फाउंडेशन एग्जामिनेशन दिया है फाउंडेशन के थ्रू? आप लोगों ने लॉ का पेपर देखा इस बार कैसा था? कहां से कौन से कोने कोने में से इंस्टीट्यूट ने सवाल उठाया है, यही लॉ का दिक्कत है। आप अगर स्टार्टिंग से ही समरी से पढ़ोगे तो आपकी बैंड बच जाएगी। सही है, देयर इज अ ह्यूज स्कोप, कहीं से भी सेक्शन के सब सेक्शन का एक्सेप्शन पे इंस्टीट्यूट जो है वो सवाल पूछ सकता है। तो एक बार तो मेन रीडिंग आपकी मेन बुक में से होनी चाहिए और उसके बाद यू कैन मेक द समरी। समरी आप 100 पेजेस पढ़ोगे तो 80 चीजें याद रहेगी, आप 60 चीजें लिख पाओगे और 50 मार्क्स आपको मिलेंगे। समझो आप 100 चीजें आपने अगर लर्न की, 100 की 100 आप ठोक के नहीं आ सकते हो, देर इज अ ह्यूमन कॉन्स्टेंट। 85 अगर आप रीड करोगे, लर्न करोगे, लिखोगे, कितने और मार्क्स क्या ही मिलेंगे? नहीं नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं पढ़ाते ही समरी से है, इसलिए मैम आपको बता रही हूँ उस पर बिलीव मत करना। अगर मैम भी चाहते तो 100 पन्ने दे देगी आपको और आपको फील होगा वाह मजा आ गया, लॉ की बैच जल्दी भी खत्म हो गई। ऐसा नहीं होगा, लॉ को पूरा डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यूज किसी भी कोप्चे में छोड़ा गया इसे पड़ती है, एंड यू कैन सॉल्व एमसीक्यू ऑफ 30 मार्क्स ओनली इफ यू नो द एग्जैक्टली। हाँ ये बात और है, एक बार ये हो जाएगा ना, पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपके पास में तो समरी है ही रिविजन करने के वास्ते। Have you all understood that? Okay. मैम जरा मीटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बैंक से सबसे बेस्ट बनाई है। हाय हाय, ये तो बहुत अच्छी किताब बनाई है। ये किताब जो बनाई है इसमें ICAI के अभी तक के जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, RTP है और ICAI मॉड्यूल क्वेश्चंस है, मॉड्यूल के क्वेश्चन है, इस सब कुछ को अमेंडमेंट के हिसाब से पूरी तरह से अमेंड किया है, आप सभी को मिलती भी है और ना किसे मिलती है। क्या मैम इसको क्लास में सॉल्व भी करवाएंगे आप? सारे 300 से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वापस से पूछ रहे, सॉल्व करवाएंगे सारे क्वेश्चन, सॉल्व करवाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब और बच्चे जवाब दे पाएंगे? अरे 100%। कैसे वो तो पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, क्लास में रिवाइज करेंगे, क्लास में कैसे याद आएगा, तो घर पे करेंगे ना बाद में जब क्लासेस हो जाएगी, साढ़े पांच के साथ ही होगा सर ये, पर वो तो आपको आता है, बच्चों को कैसे आएगा देख लेना सर आप। पक्का? यस 100%। यानी कि क्या होता है मैम एक बात बताओ, आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो कि बच्चों को क्लास में एक क्वेश्चन भी देंगे और वो उनको रिकॉल होगा या आप ही रिकॉल करा के दोगे? कैसे होगा? नहीं उन्हीं को रिकलेक्ट होगा सर, कैसे वो जवाब दे पाएंगे सर? क्लास में सिखाते वक्त ही तरीका ऐसा रहेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच, रियल लाइफ, उसके साथ साथ इतने क्यूमुलेटिव रिविजन के बच्चा उस पोजिशन में क्लास में ही आ जाएगा दैट ही इज गोइंग टू गिव द आंसर टू दिस। मैं आपको बता रहा हूँ पूरा SPC हमने जो पूरा बिल्ड किया है ना वो एक कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है क्यूमुलेटिव रिविजन, यानी कि वी बिलीव इन रिविजन। ओके, और मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा वेपन कोई वो रिविजन्स है। Yes. Because आपको कभी कभी समझता सब है बट यू डोंट रिकॉल इट इन द एग्जामिनेशन बिकॉज यू हैव नॉट डन सो मेनी रिविजन्स, एंड व्हाट वी मेक श्योर दैट बच्चा घर पे पढ़े ना पढ़े, वी वांट टू मेक श्योर दैट ही इज हैविंग लॉट्स ऑफ रिविजन इन द क्लास सेल्फ, और वो सब कुछ रिवाइज क्लास में कर ले ताकि वो सब कुछ याद भी यहीं कर ले। इसलिए तो मैम इतना कौन से कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि आप क्वेश्चन लोगे तुरंत आएगा, ऐसे एक बार पढ़ाने से नहीं आएगा भैया, वो आपको क्लास में पढ़ाएंगे फिर रिवाइज 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 और 4-5 बार रिवीजन होगी इसी के अंदर क्लास में, और फिर आप बोलेंगे एक काम करो बेटा चलो इस चैप्टर का, चलो इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं, यू विल बी एबल टू डू इट एंड आई हैव सीन इट। और चाहे मैं जो पढ़ा रहा हूं चाहे मैम पढ़ा रहे, सारे के सारे क्वेश्चन बैंक इसमें और हम लोग क्लास में उसको सॉल्व करेंगे पूरी तरह से। मैम जरा एक वो जो कॉन्सेप्ट अपना जो मुझे एक मैं बता दूं थोड़ा सा मीटिंग के बारे में जी। बच्चों आप सभी जानते हैं आई एम ऑल्सो इन्वाइटेड कपल ऑफ टाइम्स फॉर द मीटिंग्स but I don't go there because I don't have time, unlike you all, right? I'm also quite busy, although I'm the owner, but I don't have time to go to the meeting. I don't have time. Sir, तो फिर कौन जाता है मीटिंग में? भाई मीटिंग में 200-400 लोग बैठते हैं, शेयरहोल्डर की संख्या लाखों में होती, वो मीटिंग में जाता ही कौन है? यहाँ लिखता है AGM होगी, OR पास होगा, SR पास। मैम एक टैलेंट चेक करते बच्चे, फाउंडेशन में तो इतना तो सिखा होगा OR SR क्या होता है, OR SR ही नहीं पता, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पता है, SR पता है,
स्पेशल रेजोल्यूशन, ये इंटर के सेक्शन से, ओके फाइन। एक बात बताओ मुझे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब किसी को पता है? 50% से ज्यादा अगर एक फेवर में किसी ने वोट किया तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, बराबर है? मान लो कंपनी में, एक सवाल मैं पूछता हूं, कंपनी अपना जनरल नॉलेज देखते हैं, आपको क्या लगता है व्हाट इज मोर लॉजिकल? 1000 शेयर होल्डर्स है और मीटिंग में केवल 100 लोग आए, देर आर 1000 शेयर होल्डर्स बट इन द मीटिंग ओनली 100 पीपल हैव कम, दे आर अटेंडिंग द मीटिंग, और वहां पे बोला है ओआर पास होना चाहिए, यानी कि 50% से ज्यादा लोगों ने उसके लिए हां बोलना चाहिए, तो वो पास हो जाता है। आप मुझे बताओ यहां पे कितने लोगों ने हां बोलने के बाद में ओआर पास माना जाएगा? कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 1000 ने मीटिंग अटेंड कर रहे ओनली 100, मोर देन 500 और मोर देन 50, सोच के जवाब देना, मोर देन 500, मोर देन 500, लाइव स्ट्रीमिंग वालों मोर देन 500, मोर देन 50। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में कहते हैं कि 50% से अधिक लोगों ने हाँ कहना चाहिए, आप 50% 100 का ले कि 1000 का ले? पक्का श्योर? मैम आप जवाब देना जी, इट इज जितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट है उन्हीं का वोट्स कंसिडर किया जाएगा, तो नॉट 1000, इट इज गोइंग टू बी 100। आइए ऐसी एक आपको मैं आज मीटिंग में, मैम तब तक आप मीटिंग के बारे में कुछ बात करिए, मैं इनको एक मीटिंग दिखाना चाहता हूं। देखो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, सर ने बताया, रिलायंस का रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया, हर एक कंपनी में मैनेजमेंट और आपकी जो ओनरशिप होती है उसमें सेपरेशन होता है, तो मालिक होने के बावजूद हमें डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेयर करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। बट एटलीस्ट साल भर कंपनी में हुआ क्या है, चेयरमैन मुकेश अंबानी, साल भर कंपनी में हुआ क्या है ये तो जानने का आपका अधिकार है ना, तो इसी के लिए कंडक्ट होती है कंपनी की मीटिंग्स, और इन्हीं मीटिंग्स को कहा जाता है एज द एनुअल जनरल मीटिंग, नाम में लिखा है एनुअल जनरल मीटिंग। कितनी बार होती होगी साल में? 10 बार? 10 बार? 4 बार? 5 बार? कहां से पता गया? नाम से, एनुअल जनरल मीटिंग। और इसी मीटिंग में हमारे डायरेक्टर्स फिर हमारे शेयर होल्डर्स को अपडेट करते हैं साल भर में क्या सारे ट्रांजैक्शन किए, कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ, कितनी एसेट्स बढ़ी, कितनी लायबिलिटीज घटी, आगे के क्या प्लान्स है, यही सारी चीजों के बारे में बताया जाता है टू आर शेयर होल्डर्स। अगर कोई अप्रूवल लेने हैं शेयर होल्डर्स के तो ये भी लिए जाएंगे बाय पासिंग द रेजोल्यूशंस। सर ये मीटिंग होती कैसे है, आखिर मीटिंग दिखती कैसे है? आइए दोस्तों मैं आपको रिलायंस के 40th एनुअल जनरल मीटिंग में ले जाता हूं, जहां पे मुकेश अंबानी स्वयं आपका स्वागत कर रहे हैं। भाई मुकेश जी कुछ बोल रहे हैं? चेक आवाज। ओ फास्ट इन फ्रॉम अ स्मॉल स्टार्टअप to becoming one of the largest. भाई इंडिया का सबसे richest person और एशिया का सबसे richest person और वर्ल्ड का 11th richest person आपके बीच में, आप तालियां नहीं बजाओगे? बड़े बड़े लोगों को आपके लिए बुला रहे हैं, आप इज्जत देंगे ना उसको? हाँ हाँ, come on. Hired companies in the world. No Indian corporate and few global corporates have expanded so much and so fast in scope, scale, size, and service to the nation. From a textile company, we have created multiple growth engines in energy, materials, many from 70 crores in 1977. To over 3,30,000 crores today. And ये सभी लोग जो आप देख रहे हैं ये AGM में पहुंचे हैं, हमें भी इनविटेशन आता है, हम कभी जाते नहीं, बिकॉज भाई उधर जाएंगे तो अपना काम कौन करेगा? सर उधर कौन जाता है? जिसको बहुत शौक होता है एक बार एक्सपीरियंस करना, ये जो एक्चुअल में बहुत जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोग होते हैं जिनका बहुत बड़ा स्टेक इन्वॉल्व होता है, वो लोग जाते भी और अटेंड भी करते हैं। और अब आपको दिखाना चाहता हूं मैं वो रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्या सच में आपको नोटिस आती है? सर मैं आपको कुछ ईमेल दिखाना चाहता हूं जहां से आपको समझेगा कि मुझे नोटिस आती है।
चलो देखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो नोटिस आ गए मेरे पास, यहाँ पे देखो ये कुछ HCL टेक्नोलॉजी, HCL टेक्नोलॉजी आप जानते हो क्या है, ये एक IT कंपनी जैसे कि इन्फोसिस है, ये देखो इन्होंने मुझे एक नोटिस भेजा है, क्या लिखा है वहां पे, अगस्त 22, 2023 में ट्यूजडे के दिन ये 11 बजे मीटिंग है, मुझे मिला न्योता। सो एक मैम बताओ, अगर क्या सच में कंपनी को नोटिस देना जरूरी है मुझे? सेक्शन 101 के हिसाब से कंपनी को हर एक मेंबर को AGM की नोटिस देना कंपलसरी, ईच एंड एवरी मेंबर, चाहे आप एक शेयर होल्ड करते हो या 1000, फर्क नहीं पड़ता है, एवरी मेंबर हैज द राइट टू रिसीव अ नोटिस ऑफ द AGM। सेक्शन नंबर कौन सा बोला मैंने, 101, जरा देखते हैं 101 का जिक्र इन्होंने किया होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा तो आया होगा, यहाँ पे सेक्शन 101 लिखा होगा, क्या लिखा, लिखना तो पड़ेगा उनको, इधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो मीटिंग है इस डेट पे होने वाली है। अच्छा क्या क्या लिखा है वो भी एक बार पढ़ लो, क्योंकि अभी देखो बच्चों मैं आपको पहले से बता रहा हूं, हम लोग हर चीज पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल, इसके ऊपर ही 4-5 सेक्शन है कि नोटिस में कौन सी चीजें लिखी होना चाहिए, नोटिस मिलना चाहिए कितने दिन पहले मिलना चाहिए, नोटिस के अंदर किन किन चीजों का समावेश किया जाता है, नोटिस किन को मिलना चाहिए, इन सब के ऊपर प्रावधान बनाए और वो सब लिखे कंपनीज एक्ट में, जिसको फॉलो कौन करते हैं, जैसे एग्जांपल इस केस में HCL टेक्नोलॉजी ने कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शन पढ़े हुए हैं और जैसा सेक्शन में लिखा हुआ है वैसी ये नोटिस बनी हुई है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट? दर देखो यहां पे क्या लिखा है कि वो कंपनी की 31st AGM होने वाली है, कहां पे हेल्ड हो रही है, ट्यूसडे अगस्त में इतने तो होगी, और आप उसको अच्छा ये वीसी वाली में वीसी से भी आप अटेंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट भी साथ में आपको चिपका के दिया हुआ है, ये सारी चीजें लिखी हुई है, एक्सरसाइज से वोट थ्रू आप ऐसे ई वोटिंग भी कर सकते हो, ये भी यहाँ पे लिखा मैम, ये सब सारी चीजें लिखी है। यस 108 ई वोटिंग का सेक्शन। हाँ देखो सारे के सारे जो है ना, ये सारी जो चीजें है यहाँ पे उन्होंने लिख कर दी है, यानी कि यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है ना वो ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखी हुई है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी हमारे पास एक सेक्शन है, ई वोटिंग का भी सेक्शन है। यस तो जब हम लोग वो जो सेक्शन पढ़ेंगे उसका रियल लाइफ देखेंगे कि जो सेक्शन में लिखा हुआ है क्या कंपनी वैसा कर रही क्या, और अब जो सेक्शन में लिखा हुआ है और जो आप एक्चुअल में देख लेंगे तो याद करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, याद हो जाएगा आपने बिकॉज आपको प्रैक्टिकली दिखेगा। ये होता है दोस्तों, इसको ही बोलते हैं रियल लाइफ पढ़ना। देखो और जैसे कि कोई कंपनी है जिसको मुझे डिविडेंड देना है, तो देखो डिविडेंड के लिए भी मुझे नोटिस भेजती है। देखो यहाँ पे लिखा है आपको मिल रहा है इतना डिविडेंड, देखो यहाँ पे कुछ रिलायंस ने भी मुझे कुछ डिविडेंड दिया, देखो रिलायंस ने मुझे दिया था कुछ डिविडेंड, देखो यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड मिला है 36,900, देखो यहाँ पे कुछ डिविडेंड मिला है मुझे। तो इस तरह से देखो यहाँ पे लिखा स्वप्निल पाटनी एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मुझे मिला है डिविडेंड, यहाँ पे लिखा है। बट मेरे को ये जानना है कि ये आप नहीं हो ना, दिस इज अ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो क्या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कैसे रिलायंस के शेयर्स मिलता है, ऐसे कैसे क्या रहे बच्चों, क्या कंपनी का शेयर होल्डर कोई कंपनी हो सकता है? स्वप्निल सर ने एज एन इंडिविजुअल शेयर्स खरीदे, मैंने खरीदे, आपने खरीदे, बट ये SPC एडटेक प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कैसे? तो क्या कोई कंपनी भी किसी का शेयर होल्डर बन सकती है? इज दिस कंपनी ऑल्सो अ पर्सन, और एज अ पर्सन क्या वो अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है? yes. क्या अपने नाम पे लायबिलिटीज इनकर कर सकती है? yes. क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर है? yes. तो क्या एक कंपनी भी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? गुड yes. यही तो सिखाऊंगा मैं 123 सेक्शंस में, ये कंपनी को डिविडेंड जो उन्होंने दिया है उनको देना भी पड़ता है, डिक्लेयर होता है एज पर सेक्शन नंबर 123। तो सारी जो चीजें है ना मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसका एक रिलेवेंस होगा, वो चीजें रियल लाइफ में होती है, हमारे किताब में वो थ्योरी होता है, यहाँ पे वो प्रैक्टिकल दिख रहा है आपको, राइट? तो मैम वो जरा एक मैंने आपको AGM बता दिया है, AGM का नोटिस बता दिया, आप जरा थोड़ा सा आगे बढ़े उसके। जी तो मैं 101 के बारे में ये थोड़ा सा वीडियो बताओ ना मुझे, इसमें बताना है कौन कौन लोग प्रेजेंट, जनता के पास बताओ जनता। In net to over 7. ये देखो यहाँ पे एक बंदा प्रेजेंट है या अनेक लोग प्रेजेंट है? बहुत सारे लोग हैं। यस तो कोई भी मीटिंग होने के लिए एक से ज्यादा पर्सन का तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन पर्सन कैन नॉट होल्ड अ मीटिंग विथ हिमसेल्फ, और इसीलिए ये जो हम पढ़ने वाले हैं सेक्शंस आज कल में और आने वाले दिनों में, आप लोग रियलाइज करोगे AGM के सेक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल टू वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1, मैक्सिमम मेंबर्स कैन वन पर्सन कंडक्ट अ मीटिंग विथ हिमसेल्फ इन हिज ओन माइंड?
अकेले में हाँ, अपने तनहाई से बातें करता हूँ। सो मीटिंग होने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई मीटिंग के ये सेक्शंस वन पर्सन कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। अकेले में नहीं हो सकता, अकेले में मीटिंग हो सकती है? मीटिंग के लिए कम से कम इसलिए जो है ना एजीएम के जो सारे सेक्शन है वो ओपीसी को एप्लीकेबल नहीं होते, बिकॉज अकेले में क्या ही करेगा। व्हाट, अकेले में सब कुछ हो सकता है? ऐसा नहीं बेटा, व्हाट डिपेंड्स। छिछोरे, अकेले में क्या मीटिंग करेगा भाई? हाँ बोलो मैडम। यस, सो बाकी सारी कंपनीज प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर्स गारंटी अनलिमिटेड डज नॉट मेक अ डिफरेंस, इन सारे लोगों को मीटिंग्स के जो सेक्शंस है वो होते हैं एप्लीकेबल, है ना। बट मीटिंग के पहले आपको देनी होती है नोटिस, और यही नोटिस के बारे में लिखा गया है अंडर सेक्शन नंबर 101, जो अभी सर ने एचसीएल के बारे में बताया था, दैट वाज नथिंग बट इट वाज अ नोटिस जो कंपनी ने दी थी अपने सारे के सारे मेंबर्स को। अब बताओ, अगर मैं नोटिस दे रही हूं, कॉमन सेंस है, तो आप क्या सारी चीजें लिखोगे? जैसे कि अगर आपके दोस्त ने आपको उसकी शादी पे बुलाया है, तो आपको क्या लगता है पत्रिका पे क्या सारी चीजें लिखी होगी? हाँ, तो डेट, शादी कब है, कहाँ है, वेरी गुड, वेन्यू, कितने बजे है, एंड किसके साथ है। सो बेसिकली इसने उसने कुछ नहीं बोला, ये बोला किसके साथ है, तुझे क्या मतलब है वो तेरा दोस्त किससे शादी कर रहा है? वो सबसे पहले नाम देखे, बाकी सारी चीजें बाद में। तो अब देखो, वैसे ही यहाँ पे जब आप मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुला रहे हो, ऑब्वियसली बात है नोटिस में चार बेसिक चीजें लिखी होती है, एंड दैट इज मीटिंग कौन से दिन पर है, डे, कौन सी जगह पे है, प्लेस, अच्छा उस दिन पे कितने बजे आपकी मीटिंग है, द टाइम, एंड मीटिंग में आपका एजेंडा क्या होने वाला है। हर एजीएम में चार चीजें तो होती है, दैट इज द ऑर्डिनरी बिजनेसेस, ओके, चार चीजें, हम उसको कहते हैं अड्डा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चार चीजें हर एजीएम में होने ही वाली है। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो वो स्पेशल बिजनेस हो गया, बट अकॉर्डिंग टू द लॉज एवरी एजीएम हैज टू कंपल्सरली कंडक्ट दीज फोर बिजनेसेस, उसको कहते हैं ऑर्डिनरी बिजनेसेस, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एंड टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो मैम, ऐसे भी कुछ चीजें आती है, जैसे इनपुस ने मुझे कुछ भेजा है, राइट, ये पोस्टल बैलेट भी कुछ भेजा है, ये भी कुछ होता है क्या? 110 110, क्या होता है मतलब? पोस्टल बैलेट इज अ वे थ्रू विच यू आर कंडक्टिंग द वोटिंग, मतलब कोई बंदा पर्सनली नहीं आ सकता है। हाँ देखो, आप जब फिजिकली मीटिंग कंडक्ट करते हो तो लोग आते हैं, आप एजेंडा रखते हो, और देयर इज रेज ऑफ हैंड्स, और फिर देखते हो कितने लोगों ने फेवर में वोट किया, कितने लोगों ने अगेंस्ट। बट कुछ ऐसी 8 चीजें हैं एक्ट के अंदर, इनसे रिलेटेड अगर रेजोल्यूशन पास करना है, हम फिजिकल मीटिंग नहीं बुलाते, क्योंकि फिजिकल मीटिंग में हार्डली 5-10% लोग आते हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोटिंग इन्वॉल्व रहे, डिसीजन प्रोसेस में वो इन्वॉल्व रहे, तो हम क्या करते हैं, उनको ये बैलेट पेपर भेज देते हैं और कहते हैं आने वाले 30 दिनों के अंदर आप फेवर में हो या अगेंस्ट हो, आप रिप्लाई कर दीजिए। और जात देखो, घर पे बैठे बैठे तो आपको वोट करना है, योर कन्वीनियंस, योर स्पेस, योर टाइम, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आप बॉम्बे नहीं जा सकते हो, घर पे बैठे बैठे 2 मिनट निकाल कर आप क्या कर सकते हो, पोर्टल में लॉग इन करके वेदर आप फेवर में हो या अगेंस्ट हो, टिक्कर 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 तो कर ही सकते हो ना, और बस क्लिक करके आपका जो भी डिसीजन आप सबमिट कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहेंगे इन दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपके सामने दिख रहा है वहां पे कि मीटिंग में अक्सर लोग आके करते क्या है, आपके सामने दिख रहा हो रेजोल्यूशन दिख रहा हो, और रेजोल्यूशन पे लगती है आपकी वोटिंग। वहां पे क्या लिखा है देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ नितिन केशव परांज पे, इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट करना है। yes. और उसके लिए SR पास करना है, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि 100 लोग बैठे आपकी बार 50 से ज्यादा नहीं चाहिए, 75%, अब आपको 75% लोगों का हाँ चाहिए। वहां पे लिखा है
यानी कि आपको घर पे खत जो मिला है उस पर लिखना येस और नो, तो आपके वोटिंग को भी काउंट किया जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि जब भी कोई रिजोल्यूशन था, हर कोई रिजोल्यूशन का अलग अलग वोटिंग होता है। Yes. तो आप दूसरे, हो सकता है पहले के लिए आपने हाँ कहा होगा, दूसरे के लिए मना किया होगा। कैन यू सी द सेकंड वन, रीअपॉइंटमेंट ऑफ चित्रा नायक, इसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है। तो आपको लगता होगा चित्रा अच्छी है तो आप उसके लिए हाँ बोल दो, आप बोल रहे नितिन अच्छा नहीं उसके लिए मना कर दो। तो ऐसे दोनों को हाँ बोलना, दोनों को हाँ बोल सकते हो, दोनों को मना कर सकते हो, एक को हाँ बोल सकते हो, एक को। ये आपको, यू आर द शेयर होल्डर, यू आर द डिसीजन मेकर ऑफ दैट कंपनी, ओके। बट अगर आप वो जाओगे ही नहीं तो कुछ नहीं। जैसा वोटिंग होता है ना इंडिया में वोटिंग, अब आप वोटिंग नहीं करते कुछ नहीं कर सकते, पर जिन्होंने वोटिंग किया है उनका हा और उनका ना बहुत मैटर करता है। हे गाइस कम ऑन, एक बताओ ये पोस्टल बैलेट से जो आता होगा क्या उसका वोटिंग करना जरूरी है या इट्स नॉट कंपल्सरी? आया तो करना है तो करो, नहीं करा तो कोई बात नहीं, ऐसे आपकी इच्छा का सवाल है, लाइक दैट, ओके। मैम एक मैं चाहता हूं कि बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान मिले, एक दो मिनट के लिए कैन यू कॉल ऋषभ ऑल्सो, आई मीन इफ ही इज देयर, इज देयर व्हाट, एक बार बताओ जरा इफ इज देयर, मतलब कैसे आएगा वो, ऑनलाइन जूम से? हाँ एक मिनट बात करती हूँ। ओके मित्रों, मैं आपको यहाँ पे, आपने आज देखा बहुत सारी चीजें, हमने प्रैक्टिकल पढ़ी है, वी हैव सीन द एजीएम ऑफ रिलायंस एंड देन वी हैव सीन बिग कंपनीज। चलो एक और एक सवाल पूछता हूँ, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी कौन सी, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाइज? वो तो टर्नओवर वाइज है। सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी कोई है तो आपको जवाब देना है वो कौन सी, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी कौन सी, और वर्ल्ड के टॉप फाइव कंपनीज की अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड के, तो आपको पता होना चाहिए टॉप फाइव कंपनीज इन द वर्ल्ड वैल्यूएशन वाइज, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहां पे इन सारी कंपनीज में से आपके साथ में आपको दिख रहा है द माइक्रोसॉफ्ट इज ऑन रैंक नंबर 1, एप्पल रैंक नंबर 2, सऊदी अरामको 3, अल्फाबेट 4, एंड गूगल नंबर 5, अमेजॉन हमारा दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है। और अगर मैं 3 ट्रिलियन की बात करता हूं ना तो ये होता है 300 लाख, और हमारी सबसे बड़ी कंपनी का ऑडिशन है सिर्फ 20 लाख। ये 300 लाख है, ये जो लिखे है ना वो जो 300 लाख करोड़ है, और आपने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का ऑडिशन कितना, 20 लाख करोड़, जो रिलायंस है, तो रिलायंस इसका 20/300 है, तो 10% से भी कम हो गया। हाँ होने तो ना, 300 लाख करोड़ है वो, नहीं नहीं वो पूरा मिला के 300 लाख करोड़ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो वैल्यूएशन जो हमारी चल रही है, हम लोग बहुत इनसे पीछे हैं, तो हमारी कंपनीज को अभी बहुत, इंडिया का आने वाला समय जो है ना इंडिया का है, हम बहुत आगे जाने वाले और कंपनीज बहुत आने वाली, बिकॉज अब क्या है ना, जब से आप जानते हो भारत का विकास हो रहा है, हम लोग अभी वर्ल्ड की कितनी, कौन सी इकोनॉमी है, 4th या 5th है, अभी हम 4th पे आ गए हैं, बहुत जल्दी 5 सालों में हम लोग 3rd लार्जेस्ट बनेंगे, और 3rd लार्जेस्ट बनेंगे यानी कि हम लोग के कंपनी से बहुत सारी कंपनी जाएगी, यानी कि वो लोग जो कंपनीज एक्ट में बहुत नॉलेज रख रहे हैं, वो लोग जो फिनेंस में नॉलेज रख रहे हैं, वो लोग जो लॉ में नॉलेज रख रहे हैं, अकाउंट्स, उनके लिए हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आने वाले 2 डेकेड्स बहुत काम के है। हम हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर में बहुत पैसा आने वाला है, बिकॉज भारत का बहुत विकास होने वाला है कंपनी जी का। आप देख रहे हो एक एक साल में, इतने सालों में 1956 से 15 लाख कंपनी बनी है, और पिछले 1 साल में 1 लाख कंपनी बन गई। आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, भारत का तेजी से विकास हो रहा है, हर कोई कंपनी एंटरप्रेन्योर बनना चाह रही है। तो ये आने वाले समय में जितनी कंपनियां बनेगी उतने ऑडिट्स बढ़ेंगे, जितनी कंपनियां बढ़ेगी उतने अकाउंट्स के काम मिलेंगे, उतने जीएसटी और टैक्सेस के काम मिलेंगे, यानी कि इन शॉर्ट जो हम लोग जिस प्रोफेशन में है ना, उस प्रोफेशन में सिर्फ पैसा ही पैसा आने वाला है। आप जिस समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे ना, उसके बाद में देखना 2024 चल रहे हैं, 26-27 में आप सीए बन जाओगे, उसके वो तो भारत का गोल्डन एरा चालू हुआ, भारत तब तक 3rd बड़ी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, और उसके बाद में मतलब कोई अनस्टॉपेबल, आने वाले 2 डेकेड सिर्फ भारत के होंगे, और आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिर्फ पैसा मिलेगा, बिकॉज सारे लोग धंधे करेंगे, और धंधे को चेक करने वाले हम, अकाउंट संभालने वाले हम, कंप्लायंसेस देखने वाले हम, टैक्सेस भरने वाले हम,
जीएसटी भी हम, स्ट्रैटेजी भी बनाई हम, तो इसलिए आप लोग जब भी समझ रहे ना, कभी कभी मेहनत हो रही बहुत, हमेशा अपने आपको यही बोलना कि नहीं मैं सही कोर्स में हूं, थोड़ी सी दिन की मेहनत है, बाद में सिर्फ पैसा है, यू आर इन द राइट कोर्स, बहुत मजा आने वाला है। ओके एनीवेज गाइस, हो गया, कैसा आएगा ना स्क्रीन पाएगा शायद, मेरा स्क्रीन कनेक्टेड है, हेमंत हेमंत स्क्रीन कनेक्ट कर दो, ठीक है। दोस्तों आपके सामने आपको मैम, मैं चाहता हूं कि जिन्होंने एक्चुअल में लॉ की क्लास करी हुई है, हम ये समझ लेगी क्लास के दौरान क्या चीजें इनसे होती है और इन्होंने इतना स्कोर कैसे हाई कर लिया right. लॉ के अंदर, व्हाट दे हैव लाइक द मोस्ट, तो ये इनके, इन्होंने ऑलरेडी, ये वो लोग जो क्लास करने आए हैं, ये वो लोग जो ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, सो देयर, हो गया, यहां पे स्क्रीन पे भी चालू कर दो, समझ नहीं आ रहा मैम, ओके हो गया शुरू, ओके यस गाइस, तो मैम वापस से सवाल बताएंगे, दो टाइप के जो मीटिंग है, एजीएम ईजीएम, राइट, उसमें वोटिंग कौन करता है, शेयर होल्डर्स, तो हर एक फैसले के लिए अलग वोटिंग होगी या एक वोटिंग होगी, वेरी गुड, आप मुझे बताओ कंपनी के ओनर कौन, कंपनी चलाता कौन, तो आप मुझे बताओ कंपनीज एक्ट जो बनी है, कोई भी रेगुलेशन बना, इट इज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट डायरेक्टर्स और इट इज देयर टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स, मोस्ट ऑफ द सेक्शंस आर इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट किसको, वेरी गुड, नोटिस कौन से सेक्शन में दी जाती है, 101 नोटिस में कौन सी चार चीजें लिखी होती है, डेट टाइम प्लेस एंड द एजेंडा, ओके यस, तो आप सभी लोगों ने आज एक नोटिस मैंने बताया था, एचसीएल की नोटिस आपने देखी है एवरीबॉडी, तो नोटिस किसको भेजी जाती है, नोटिस मिलना क्या हर शेयरहोल्डर का अधिकार है, क्या वोटिंग करना भी हर शेयरहोल्डर का अधिकार है, बताओ 10 लोगों को डिविडेंड दिया और एक को नहीं दिया, चलेगा क्या, क्या डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके बाद में कंपलसरी देना जरूरी है, क्या डिविडेंड डिक्लेयर करना जरूरी है, पर डिविडेंड डिक्लेयर करने में मिलना जरूरी है, बताओ 10 लोगों को नोटिस दिए, एक को नोटिस नहीं दी, चलेगा क्या, क्या सबको नोटिस मिलना जरूरी है, अरे बोलो भाई, मैम कुछ और पूछना है, नहीं बस, तो दोस्तों आज आपने बहुत फैंटास्टिकली पढ़ा है, एक बार ताली आप सभी के लिए, थैंक यू सो मच, बात है क्या बात है, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन, थैंक यू सो मच, हम लोग फिर से मिलेंगे आपको कल, अभी आप जाएंगे, यू हैव लंच आउटसाइड एंड देन उसके बाद में अकाउंट्स, इट विल स्टार्ट बाय 2:30, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय एवरीबॉडी हु आर वाचिंग, बाय बाय वर्चुअल किड्स, लाइव स्ट्रीमिंग वालों थैंक यू सो मच, इनकी नोट्स कब मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग वालों को, कल से डिस्पैच होना चालू हो जाएगा, नहीं नहीं इनको अभी के लेक्चर्स की नोट्स अभी कल के डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे, कल के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेगी, नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट, ओके, और जो लैग हुआ था इट वाज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इंटरनेट, नथिंग, उसमें कुछ नहीं किया था, एनी लाइव स्ट्रीमिंग वालों बताए कैसे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एवरीवन, मजा आ गया, वंश कह रहा है, वंश थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, लाइव स्ट्रीमिंग वालों जरा बताए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, यस जीडी के बच्चों को भी हैंड रिटन नोट्स मिलेगी, थैंक यू गाइस, थैंक यू, विल इनवाइट ऋषभ टुमारो, डोंट वरी, यस थैंक यू सो मच, थैंक यू जेनी, थैंक यू, फैंटास्टिक सर, मजा आ गया बहुत, पता है बेस्ट है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, ऑसम लेक्चर था सर, बहुत मजा आ गया, थैंक यू सो मच गाइस, नाइस, बेस्ट, जबरदस्त, थैंक यू राधे राधे, ग्रेट, वंडरफुल, क्या बात है, सही है मोर धमाल, यस, क्या बात है, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लग रहा है आपके, ऑसम, फैंटास्टिक, बढ़िया, वेरी गुड, कितने चैट्स आ रहे, कितने चैट्स आ रहे, थैंक यू सो मच यार, मस्ट, सही है, क्या बात है, मजा आ गया, थैंक यू सो मच, अपने सर, थैंक यू यार, थैंक यू बच्चों, बेस्ट बेस्ट, ऐसे ही पढ़ेंगे हर लेक्चर में, गजब, थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी से, थैंक यू, बहुत मजा आ गया, तन्वी कह रही, थैंक यू, एकदम कड़क सर, थैंक यू, का कब मेरे चलते रहेंगे, इसके बाद ही मैं भी रहूंगा, सुपर सेशन, थैंक यू सो मच अनुराग, टुक राइट डिसीजन सर, मेरा नाम है तनिष का, थैंक यू तनिष का, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी थी सर आपके, वंश कह रहा है, थैंक यू सो मच वंश सर, कतई जहर जहर हो, मार लो हमको सिद्धार्थ, स्वप्निल सर मोदी 2.0, अरे वो मैं बोलता हूँ कभी वैसे, सौम्य, थैंक यू सो मच, आदर्श कह रहा है अमेजिंग है, थैंक यू सो मच आदर्श,
पंचल कह रहा सुपर वेरी गुड ऑसम लेक्चर सर, फिटनेस गुरु कह रहा थैंक यू सो मच, करण प्रजापति सर मजा आ गया आज तो थैंक यू सो मच, यस क्या नाम है क्रूबा यू कैन डू इट नो नो प्रॉब्लम, कितने दिन तक लेक्चर यूट्यूब पर होगा, पहले 7-8 लेक्चर यूट्यूब पर होंगे, हर लेक्चर में ऐसे ही पढ़ाएंगे बेटा, ऐसे ही इसे तोड़ पढ़ाएंगे, डोंट वरी, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आपका आपका मित्रों सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, रियल लाइफ में बाहुबली लग रहे हो, ओए थैंक यू सो मच, निनाद कह रहा है थैंक यू सो मच, पलक कह रही थैंक यू सो मच, सर मेरे पैसे बिल्कुल सही जगह पे लगे, बर्बाद नहीं बेटा, थैंक यू सो मच, मैं क्या रोज गुड, बहुत सही था सर आपका, रंजित कह रहा है बहुत मजा आ गया, अभिषेक थैंक यू, सानिया थैंक यू सो मच, सिस्टम ओके सर मजा आ गया, राधे राधे ओके वेरी नाइस लेक्चर, एनर्जेटिक था, मनीष थैंक यू सो मच, क्या सोनाली थैंक यू, सभी को बहुत शुक्रिया, लव फ्रॉम नागपुर थैंक यू सो मच, जेनी सर मजा आ गया, वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेक्चर, आभाष थैंक यू अमेजिंग था, गुड एक्सपीरियंस, क्या बात है गाइस, सभी का दिल से शुक्रिया, वेरी नाइस जेस्चर सर, एक्सट्रीमली नाइस लेक्चर, मनीष थैंक यू सो मच, सर मेरा भी नाम ले लो, निदेश थैंक यू सो मच, ओके फैंटास्टिक थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम गुजरात थैंक यू सो मच, आप लोग वैसे कहां कहां से देख रहे हो सर, आपने उसके नाम बताइए, शहरों के नाम, शहर या स्टेट का नाम बताइए, प्रज्ञा मजा आ गया थैंक यू सो मच, हमारा नेता कैसा हो तौफिक, ए तौफिक कितने पेज की रिक्वायर्ड होगी, नोटबुक कितने पेज की रिक्वायर्ड होगी, लव फ्रॉम राजस्थान, भूमि फ्रॉम राजस्थान, जेनी फ्रॉम गुजरात, सर मैं मुंबई से हूँ, मुंबई थैंक यू सो मच, सर आज ओके अहमदाबाद राजस्थान पंजाब बिहार भोपाल मुंबई गुजरात बिहार मुंबई महाराष्ट्र मीरठ झारखंड कोल्हापुर बॉम्बे दिल्ली वेस्ट बंगाल तेलंगाना अहमदाबाद लखनऊ बेवार जोधपुर न्यू दिल्ली जोधपुर ओ तेलंगाना गुजरात आंध्र गुड़गांव गाजियाबाद पटना रायगढ़ बिहार कश्मीर दुबई नेपाल बट क्या बात बिहार राजस्थान हैदराबाद राजस्थान काठमांडू नेपाल क्या बात कोल्हापुर ऑसम सर मेरा नाम ले लो मेरा नाम प्रियंका है ओ आई प्रियंका आंध्र प्रदेश से देख रहा हूँ मैं सर क्या बात है अजमेर गाजियाबाद गुड़गांव वेस्ट बंगाल गया औरंगाबाद हैदराबाद हरियाणा थैंक यू सो मच गाइस थैंक पाकिस्तान ए पाकिस्तान आओ क्या उधर पाकिस्तान चलती है थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर गाइस लव यू ऑल बाय बाय